नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक सीख प्रो पे। निम्मी क्वेश्चन बैंक सीरीज की 14th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। टेक सीख प्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलता है आईटीआई से संबंधित सभी जॉब की लेटेस्ट अपडेट, सभी एग्जाम से रिलेटेड यहां पर पेपर एनालिसिस, स्पेशल डेडिकेटेड एग्जाम प्रिपरेशन क्लासेस, गाइडेंस और बहुत कुछ। यदि आप टर्नर फिटर मशीनिस्ट से हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे जो भी हो, चाहे इसरो का एग्ज़ाम हो या फिर रिसेंट में MPITITO का एग्ज़ाम होने वाला है, NPCIL का एग्ज़ाम होने वाला है, तो सभी एग्जाम के लिए ये अपनी क्लासेस जो अपनी सीरीज चल रही है निम्मी क्वेश्चन बैंक की, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाली है। इसमें ऑलरेडी हमने 13 लेक्चर कवर कर लिए हैं, आज अपना 14th लेक्चर है। अपने अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहां से जा करके पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। क्योंकि यहां पर जो वीडियोस होती हैं सारी एक दूसरे से लिंक होती हैं, कई सारे ऐसे कंसेप्ट होते हैं जो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किए गए होते हैं। बेसिकली हम 20 क्वेश्चन पर वीडियो टारगेट करते हैं, उससे रिलेटेड चारों ऑप्शन को क्लियर करते हैं, इससे संबंधित और क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, व्हिच एंगल डिटरमाइंड बाई द हेलिक्स एंगल इन द ड्रिल बिट। तो अगर बात की जाए ट्विस्ट ड्रिल की या ड्रिल बिट की, तो इसमें हेलिक्स कोण, जो हेलिक्स एंगल होता है, ये किस कोण से निर्धारित किया जाता है या हेलिक्स एंगल किस एंगल को निर्धारित करता है। अगर यहाँ पर आप इंग्लिश वाला देखेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश वाला बोल रहा है डिटरमाइंड बाय द हेलिक्स एंगल, मतलब ऐसा कौन सा एंगल है जो हेलिक्स एंगल के द्वारा निर्धारित किया जाता है। हिंदी में देखेंगे तो ड्रिल बिट में हेलिक्स कोण किस कोण से निर्धारित किया जाता है, मतलब हेलिक्स कोण को कौन सा एंगल डिसाइड करता है। तो दोनों का उत्तर आपका एक ही है, जो हेलिक्स एंगल होता है बेसिकली किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, रैक एंगल के द्वारा डिसाइड किया जाता है। ड्रिल बिट में जो रैक एंगल होता है वही हेलिक्स एंगल को यहाँ पर डिसाइड करता है। किस प्रकार से, इसका हम डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हेलिक्स एंगल का मतलब क्या होता है, ठीक। ट्विस्ट ड्रिल आर मेड विद डिफरेंट हेलिक्स एंगल। हेलिक्स एंगल का मतलब क्या है, ड्रिल बिट में आपकी फ्लूट्स होती हैं तो फ्लूट स्ट्रेट ना होकर के क्या होती हैं आप किस में, हेलिक्स के रूप में होती है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फ्लूट इसके क्या है, हेलिक्स में है। तो ये फ्लूट जब ड्रिल बिट का यहाँ पर निर्माण हो रहा था, ड्रिल बिट बन रही थी, तो ये फ्लूट जिस एंगल पर काटे गए थे उसी एंगल को क्या कहा जाता है, हेलिक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रिल का ऐसा कौन सा एंगल होता है जिसको ग्राइंडिंग के द्वारा चेंज नहीं किया जा सकता, तो आपका कौन सा एंगल होता है, हेलिक्स एंगल होता है। क्योंकि ये क्या होता है, फ्लूट का एंगल होता है, जिस एंगल पर फ्लूट कटी होती है वही आपका हेलिक्स एंगल होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक। द हेलिक्स एंगल डिटरमाइंस द रैक एंगल एट द कटिंग एज ऑफ द ट्विस्ट ड्रिल, और इसी के द्वारा बेसिकली हमें रैक एंगल का भी पता चलता है, किसके द्वारा, हेलिक्स एंगल के द्वारा, ठीक। द हेलिक्स एंगल वेरी अकॉर्डिंग टू द मटेरियल बीइंग ड्रिल्ड। अब जिस भी मटेरियल की ड्रिलिंग करनी है उसके अनुसार यहाँ पर हेलिक्स एंगल आपका चेंज होता रहता है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड बेसिकली तीन प्रकार के यहाँ पर हेलिक्स एंगल वाले ड्रिल यूज किए जाते हैं, HNS, जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं फिगर में HN और S टाइप के। सबसे पहले आपका जो यहाँ पर बात की जाए जो H टाइप का ड्रिल बिट होता है, ठीक है, कौन सा, H टाइप के हेलिक्स एंगल वाला ड्रिल बिट हो गया, इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो इसका प्रयोग किया जाता है हार्ड एंड टेनासियस मटेरियल के, मतलब कठोर धातुएं जो होती हैं, कठोर और तन्य धातुएं होती हैं हार्ड और टेनासियस मटेरियल के लिए इसका यूज करेंगे। और इस केस में जो हेलिक्स एंगल का मान होता है कितना होता है, 10 डिग्री से लेकर के 13 डिग्री के बीच में, 10 टू 13 डिग्री के बीच में यहाँ पर हेलिक्स एंगल की वैल्यू रखी जाती है। दूसरा यहाँ पर हमारा आता है टाइप एन, ठीक है, एन का मतलब हो गया नॉर्मल, ठीक। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, जैसे आपका माइल्ड स्टील हो गया, तो इसके लिए कौन सा यूज किया जाएगा, एन टाइप हेलिक्स एंगल वाला ड्रिल बिट। इसके लिए एंगल कितना होता है, तो एन टाइप के लिए 18 टू 30 डिग्री होता है, 18 से 30 डिग्री के बीच में यहाँ पर हेलिक्स एंगल का यूज किया जाता है, कितना, 18 से 30 डिग्री के बीच में इसका यूज किया जाता है।
तीसरा जो यहां पर होता है, तीसरा होता है टाइप यस, एस का मतलब होता है सॉफ्ट। ठीक, तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, सॉफ्ट और टफ मटेरियल के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। इसका एंगल कितना होता है, तो 35 से लेकर के 40 डिग्री, 35 टू 40 डिग्री के बीच में इसका एंगल बेसिकली रखा जाता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तो हो गया अलग अलग मटेरियल के अनुसार, अगर पूछ लिया जाए स्टैंडर्ड हेलिक्स एंगल कितना होता है, तो स्टैंडर्ड जब भी आपसे पूछा जाए तो 27 1.5 डिग्री, ठीक, आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं 27.5 डिग्री इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है हेलिक्स एंगल की, 27 1.5 डिग्री। नॉर्मल पर्पज के लिए कौन सा, जनरल पर्पज के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो यन टाइप वाला जो यहाँ पर ड्रिल बिट होता है वो आपका यूज किया जाता है। तो आशा करते हैं हेलिक्स एंगल क्लियर हो गया होगा। हेलिक्स एंगल का मतलब क्या है, ड्रिल बिट में फ्लूड जिस एंगल पे कटे होते हैं वही हेलिक्स एंगल होता है। इसके द्वारा हमें क्या पता चलता है, रैक एंगल का पता चलता है। तीन प्रकार के होते हैं, एच एन एस, एच 10 से 13 डिग्री हार्ड मटेरियल के लिए, एन 18 से 30 डिग्री नॉर्मल मटेरियल के लिए, यस हो गया आपका यहाँ पर 35 से 40 डिग्री सॉफ्ट मटेरियल के लिए, स्टैंडर्ड एंगल कितना हो गया, तो 27.5 27.5 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल यहाँ पर इसका हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज द यूज ऑफ रीमर, रीमर का यूज क्या होता है। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी अच्छे से क्लियर किया हुआ है कि रीमर का बेसिकली यूज क्या होता है, रीमर यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन क्या दिया गया है आपको यहाँ पर, ऑप्शन दिया गया है कि आपको ड्रिल होल करने के लिए रीमर यूज करते हैं, पहला ऑप्शन क्या है यहाँ पर, ड्रिल करने के लिए रीमर यूज करते हैं, या फिर होल को इनलार्ज करने के लिए, या थ्रेडिंग करने के लिए, या फिनिशिंग करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हम रीमर का यूज क्यों करते हैं, जब भी हमें किसी होल को एक्यूरेट साइज में फिनिश करना होता है तो वहां पर किसका प्रयोग किया जाता है, तो वहां पर यूज किया जाता है रीमर का। इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको ड्रिल करना है तो किसका प्रयोग करोगे, ड्रिल बिट का प्रयोग करोगे, इनलार्ज के लिए बोरिंग का प्रयोग करोगे, थ्रेडिंग के लिए टैप का प्रयोग करोगे, और फिनिशिंग के लिए यहाँ पर रीमर का प्रयोग किया जाता है। रीमर बेसिकली क्या होता है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सिंगल पॉइंट और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के बारे में। तो सिंगल पॉइंट ऐसे कटिंग टूल होते हैं जिसमें केवल एक ही जो पॉइंट होता है कटिंग का काम करता है, ठीक है। जैसे आपका होगा लेथ में जो हम टूल यूज करते हैं टर्निंग टूल, वो क्या हो गया आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो गया। मल्टी पॉइंट जिसमें एक से अधिक कटिंग एजेस होती हैं, जैसे ड्रिल हो गया, रीमर हो गया, ठीक है, टैप हो गया, फाइल हो गई आपकी, ठीक। तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, मल्टी पॉइंट कटिंग टूल के अंतर्गत आते हैं। हेक्सा हो गया, अब चीजल क्या हो जाएगा, चीजल सिंगल पॉइंट कटिंग टूल हो जाएगा। तो सबसे पहले रीमर क्या है, रीमर एक आपका मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है। कहाँ प्रयोग किया जाता है, तो जो कोई हमारा ड्रिल किया गया होल है उसको हमें थोड़ा सा इनलार्ज करना और एक्यूरेट साइज में फिनिश करना है, तो उसके लिए यहाँ पर रीमर का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली यहाँ पर आपको एक हैंड रीमर दिखाया गया, ठीक है, कि हैंड रीमर के द्वारा जिसको हम हाथों से पकड़कर घुमाते हुए यहाँ पर हम होल को फिनिश करते हुए यहाँ पर आपको रीमर दिखाया गया है। अब इसका बेसिकली काम क्या होता है, रीमिंग का एडवांटेज क्या होता है, रीमिंग क्यों की जाती है, तो रीमिंग के द्वारा सबसे पहले हमें हाई क्वालिटी सरफेस प्राप्त होती है। ड्रिलिंग के बाद उसमें बेसिकली कुछ स्क्रैच वगैरह रहेंगे, होल उतना फिनिश नहीं रहेगा, टूल मार्क उसमें रह जाता है। अब उसको फिनिश करने के लिए जैसे आप उसको अगर अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा होल में सर्कुलर मार्क टाइप रहेगा, ठीक। तो उसको यहाँ पर हटाने के लिए, होल को अच्छे से फिनिश करने के लिए यूज करते हैं। साथ ही साथ डायमेंशनल एक्यूरेसी यहाँ हमारे काफ़ी क्लोज लिमिट में, क्योंकि यहाँ बहुत माइनर मटेरियल हटा के फिनिश करता है, तो डायमेंशनल एक्यूरेसी काफ़ी हाई एक्यूरेसी आती है, काफ़ी क्लोज टॉलरेंस में यहाँ पर हमें होल फिनिश मिलता है। आल्सो स्मॉल होल विच कैन नॉट बी फिनिश बाई अदर प्रोसेस कैन बी फिनिश्ड, जैसे अदर होल हो गए, जैसे मान लो कोई बड़ा होल है उसको आपने क्या कर लिया, आपने एमरी के द्वारा उसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया। अब छोटे छोटे होल जिसमें आप एमरी पेपर नहीं डाल सकते तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए तो केवल और केवल रीमर का ही आपको प्रयोग करना होता है। आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल। अभी हमने आप ऊपर पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि एन का मतलब क्या होता है, नॉर्मल होता है। तो इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, इसका प्रयोग किया जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यूज्ड फॉर नॉर्मल लो कार्बन स्टील, सामान्य जो लो कार्बन स्टील होती है उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे हो गया आपका माइल्ड स्टील। सॉफ्ट के लिए किसका प्रयोग करोगे, तो सॉफ्ट के लिए यश टाइप का प्रयोग करोगे, और यहाँ पर आपका हार्ड है तो हार्ड के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, हार्ड के लिए यहाँ पर एच टाइप का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रीमर विल हैव ए लॉन्ग टेपर लीड, कौन सा ऐसा रीमर होता है
जिसमें लॉन्ग टेपर लीड होती है। तो इसको पहले हम डिटेल देख लेते हैं जिससे आप आसानी से, यहाँ पर चूंकि कई बार यहाँ पर डिस्प्यूट हो जाता है, कई बार निम्न में इसका उत्तर हैंड रिमर दिया जाता है और कई बार यहाँ पर इसका उत्तर सॉकेट रिमर दिया जाता है। जैसे अभी हम सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन कर रहे हैं फिटर का, अगर 24 नंबर का क्वेश्चन का उत्तर आप देखोगे तो यहाँ पर इसका उत्तर आपको मिलने वाला है सॉकेट रिमर एज पर निमी के अनुसार। लेकिन ये क्या है, ये गलत है। जब भी आपसे पूछा जाए कि किस रिमर में लॉन्ग टेपर लीड होती है, ठीक है, तो लॉन्ग टेपर लीड किस में होती है, तो लॉन्ग टेपर लीड पाई जाती है केवल और केवल हैंड रिमर में। तो इसका उत्तर क्या होगा, हैंड रिमर होगा। कहीं भी आप एग्जाम अटेंड करने जाएं तो हैंड रिमर पर ही आपको टिक करना है। लॉन्ग टेपर लीड किस में होती है, हैंड रिमर में होती है। यही इसका मेन एडवांटेज भी होता है। इसके डिटेल को हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आपको एक हैंड रिमर दिखाया गया है फिगर के साथ विद फिगर। एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया है, हैंड रिमर आर यूज टू रिम होल मैनुअली यूजिंग टैप रिंच। ठीक है, तो टैप रिंच का प्रयोग करके हम क्या करते हैं, हाथों के द्वारा मैनुअली हैंड रिमर का प्रयोग करते हुए होल को फिनिश करते हैं। अब यहाँ पर जो आपको ये डिटेल दिया गया है, बेसिकली हमने इसीलिए यहाँ पर जानबूझकर स्क्रीनशॉट पुट किया है, ना कि टाइप करके, क्योंकि टाइप करने में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि सर ने मान लीजिए खुद से यहाँ पर एडिट कर दिया है, उत्तर कुछ अलग हो सकता है। और जब यहाँ पर स्क्रीनशॉट पुट किया गया है तो आप देख सकते हैं कि ये स्क्रीनशॉट है, मतलब यहाँ पर कोई हमारे तरफ से एडिटिंग नहीं की गई है, निमी के बुक में ही यही आपको दिया गया है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट पुट किया गया है। अदर क्वेश्चन में देखोगे तो वहाँ पर आपको टाइपिंग मिलेगा जो भी एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक, अब हैंड रिमर बेसिकली क्या होता है, तो दीज रिमर हैव ए लॉन्ग टेपर लीड। अब देखो यहीं पर आपको दिया गया है कि दीज रिमर मतलब हैंड रिमर हैव ए लॉन्ग टेपर लीड। इसमें टेपर लीड कैसी होती है, लॉन्ग होती है। इसके लिए आप फिगर टू देख सकते हो, फिगर टू यहाँ पर आपको दिया गया है। अगर आप देखो यहाँ पर ये आपकी क्या हो गई, आपका फ्लूट्स हो गया। यहाँ पर जो लीड है काफी लंबी है, देखो यहाँ पर आपको जूम करके इसको दिखाया गया है, जो टेपर लीड है काफी क्या है आपकी लंबी है। ठीक है, तो टेपर लीड काफी लंबी है, एंगल भी इसका काफी ज्यादा है, तो यही क्या होता है, लॉन्ग टेपर लीड है। ठीक, दिस अलाउ टू स्टार्ट द रीमर स्ट्रेट इन द अलाइनमेंट विद द होल विंग रीम्ड। इससे हमें बेसिकली एडवांटेज क्या होता है लॉन्ग टेपर लीड रखने से, तो लॉन्ग टेपर लीड का हमें एडवांटेज होता है जब भी हम होल की रीमिंग करने जाते हैं तो स्टार्टिंग करते समय आपको स्टार्ट अच्छे से करना होता है। कई बार क्या होता है वहां पर रीमर सही से आपका फिक्स नहीं हो पाता है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, यहाँ पर आपका लॉन्ग टेपर लीड होने से वो आसानी से उसमें अलाइनमेंट में आ जाता है। ठीक है, जो होल का एक्सिस है उसके साथ वो आपका परफेक्ट अलाइन हो जाता है। ठीक है, और वहाँ पर आपका मतलब फिनिश मतलब स्लिप नहीं होता है, तो अच्छे से वो आपका होल फिनिश होता है। इसीलिए यहाँ पर टेपर लीड रखी जाती है। एडवांटेज क्या है मेन टेपर लीड का, तो उसका मेन पर्पज होता है अलाइनमेंट के लिए। जो अगर वहां पर लॉन्ग टेपर लीड होगी तो अलाइनमेंट काफी अच्छा होगा। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फिगर में यहाँ पर देख सकते हैं काफी लंबी यहाँ पर टेपर लीड आपको दिखाई गई है, लॉन्ग टेपर लीड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पायलट इन द हैंड रीमर विथ पायलट। पायलट के साथ जो हैंड रीमर आता है उसमें पायलट का काम क्या होता है, मेन यूज क्या है पायलट का, तो पायलट का मेन यूज क्या होता है, ड्राइव करना होता है। ठीक है, अगर आप एरोप्लेन का लो तो पायलट का काम क्या होता है, ड्राइव करना होता है। उसके साथ साथ उसका सारा जो सेफ्टी वगैरह होता है वही देखता है। ठीक, मतलब जो हमें आपको जो पाथ है साइन किया गया, जो हमारा रास्ता है उसी में आपको सीधे जाना है। ठीक है, उसी के साथ अलाइन रहना है। इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, कीप द साइज ऑफ होल एक्यूरेट, होल का आकार सही रखें, रिमूव द बर्फ फ्रॉम द होल, प्रोवाइड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द रीमर, देन कीप रीमर कंसेंट्रिक विद द होल टू बी रीम्ड। तो यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। पायलट का काम क्या होता है, यह रीमर को जिस भी होल में रीमिंग करनी है उसके साथ प्रॉपर अलाइनमेंट में रखता है। ठीक है, इसको इधर उधर रिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट नहीं होने देता है, इसको पूरे उसके सेंटर एक्सिस के साथ अलाइन में रखने का काम कौन करता है, यह आपका पायलट करता है। इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपको एक फिगर दिखाया गया है, हल्का सा एक्सप्लेनेशन दिया गया है हैंड रिमर विद पायलट का। ठीक है, हैंड रिमर विद पायलट, फॉर दिस टाइप ऑफ रिमर ये पोर्शन ऑफ द बॉडी इज सिलेंड्रिकली ग्राउंड टू फॉर्म ये पायलट एट द इंटरिंग एंड, द पायलट कीप द रिमर कंसेंट्रिक विद द होल्ड विंग रिम्ड।
तो यहां पर आपको पहले 4A में क्या दिखाया गया, आपको एक नॉर्मल रीमर दिखाया गया, ठीक है, एक साधारण रीमर है जो क्या है यहां पर बेसिकली इसमें कोई पायलट यहां पर नीचे नहीं लगा हुआ है, नॉर्मल है। अब पायलट रीमर में क्या आएगा, ठीक, पायलट रीमर में यहां पर नीचे की साइड में यहां पर आपको एक सिलेंड्रिकल बॉडी मिलेगी जिसमें एक हल्का सा पायलट टाइप बना होगा, ठीक है। इस पायलट का काम क्या होगा, तो पायलट का काम होगा जब भी आप होल में रीमिंग स्टार्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, उसको गाइड करेगा और साथ ही साथ जो होल की एक्सिस है उसके एक्सिस में इसको क्या करेगा, सेंटर में अलाइन करने का काम करता है। तो होल के सेंटर में इसको रखता है, तो इसी को कहा जाता है कंसेंट्रिक। जहां पर दोनों एक्सिस सेम हो तो उसे क्या कहते हैं, कंसेंट्रिक कहते हैं, जब एक्सिस अलग अलग हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, इसेंट्रिक कहा जाता है। तो पायलट का मेन काम क्या होता है, तो यहां पर पायलट का काम होता है कि रीमर को होल के एक्सिस के साथ यहां पर कंसेंट्रिक में रखना, ठीक। जैसे मान लो अगर इसको हम 2D में बनाए, ये हमारा क्या हो गया, कोई होल हो गया, ठीक है। अब होल की ये सेंटर लाइन हो गई, अब यहां पर आप रीमर यूज कर रहे हो, ठीक है, और रीमर की सेंटर लाइन हो गई, तो पायलट का काम है कि इन दोनों को क्या करेगा, एक ही एक्सिस में रखेगा, इधर उधर नहीं जाने देगा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हिच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल, व्हिच डिसाइड द पॉइंट एंगल ऑफ ड्रिल। ड्रिल का बेसिकली अगर पॉइंट एंगल की बात की जाए तो डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर पॉइंट एंगल होता है। अब ये जो पॉइंट एंगल होता है बेसिकली किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है, कौन सा ऐसा फैक्टर होता है जो कि इसके लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर ऑप्शन आपको क्या क्या दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ड्रिल मटेरियल, जॉब मटेरियल, कटिंग स्पीड या साइज ऑफ द ड्रिल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉब का मटेरियल। जिस भी मटेरियल में आपको ड्रिलिंग करनी है वो कौन सा मटेरियल है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसकी हार्डनेस कितनी है, उसके अनुसार यहाँ पर जो ड्रिल का एंगल है, पॉइंट एंगल है, वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। बेसिकली अगर कोई हार्ड मटेरियल है तो इसके लिए पॉइंट एंगल की वैल्यू ज़्यादा रखी जाती है, कोई सॉफ्ट मटेरियल है तो इसके लिए पॉइंट एंगल की वैल्यू क्या रखी जाती है, कम रखी जाती है। जैसे यहाँ पर बात किया जाए जो हार्ड मटेरियल जैसे स्टेनलेस स्टील हो गया, हाई स्पीड स्टील हो गया, कार्बन स्टील हो गया, इस सब के लिए अराउंड 150 डिग्री के करीब रखा जाता है। जो नॉर्मल कार्य के लिए माइल्ड स्टील हो गया, जो साधारण कार्य के लिए, उसके लिए एंगल कितना रखा जाता है, 118 डिग्री। सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम में यही पूछा जाता है कि नॉर्मल पर्पज़ के लिए जो ड्रिल बिट का पॉइंट एंगल होता है या कटिंग एंगल कितना रखा जाता है, 118 डिग्री रखा जाता है। सॉफ्ट मटेरियल जैसे आपका मान लीजिए एल्यूमिनियम हो गया, कास्ट आयरन हो गया, तो इस सब के लिए कितना रखा जाता है, तो इसके लिए अराउंड 90 डिग्री से 100 डिग्री के बीच में रखा जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। मटेरियल आपका जितना ज़्यादा हार्ड होगा, पॉइंट एंगल उसका उतना ही ज़्यादा हार्ड होगा, ठीक। यहाँ पर आपको पॉइंट एंगल बेसिकली दिखाया गया फिगर में, इसको आप देख सकते हो। तो पॉइंट एंगल मतलब क्या है, यहाँ पर जो दोनों आपके कटिंग लिप्स हैं तो इन कटिंग लिप के बीच का एंगल कितना है, यही आपका क्या होता है, पॉइंट एंगल होता है। द पॉइंट एंगल ऑफ ए जनरल पर्पज स्टैंडर्ड ड्रिल इज 118 डिग्री। जैसा कि अभी हमने बताया, स्टैंडर्ड या जो आपका जो नॉर्मल पर्पज के लिए एंगल कितना रखा जाता है, 118 डिग्री रखा जाता है। दिस इज द एंगल बिटवीन द कटिंग एजेस और लिप। बेसिकली जो आपकी कटिंग एज होती है, एक आपकी कटिंग एज ये हो गई और एक कटिंग एज आपकी ये हो गई, तो इसी कटिंग एज को क्या कहा जाता है, लिप के नाम से भी जाना जाता है, और इसी के बीच का जो एंगल होता है उसी को हम पॉइंट एंगल के नाम से जानते हैं, ठीक। वेरीज अकॉर्डिंग टू द हार्डनेस ऑफ द मटेरियल टू बी ड्रिल्ड। अब जो भी आपका मटेरियल ड्रिल करना है उसके अनुसार इसकी वैल्यू क्या होती है, घटती बढ़ती रहती है, हार्ड मटेरियल के ज़्यादा, सॉफ्ट मटेरियल के लिए कम। पूछा कौन सा जाता है, आपका स्टैंडर्ड वाला पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, व्हाट इज द ड्रिल साइज फॉर रीमिंग 10 mm होल इफ द अंडर साइज इज 0.2 mm एंड ओवर साइज इज 0.05 mm, ठीक। यहाँ पर बेसिकली आपसे पूछा गया है 10 mm होल के लिए रीमिंग करने के लिए यहाँ पर ड्रिल का आकार क्या होगा, ठीक है। अगर अंडर साइज 0.2 है और ओवर साइज 0.05 है, तो बेसिकली जब भी हमें क्या करना होता है, इसको हम एक्सप्लेनेशन के द्वारा देखते हैं फुल डिटेल में। बेसिकली जो हमें क्या करना होता है, किसी भी होल में रीमिंग करनी होती है, ठीक है। तो रीमिंग करने से पहले हमको क्या करना होता है, ड्रिलिंग करना होता है, और ड्रिलिंग में हमें ध्यान क्या रखना होता है, ड्रिलिंग में आपको ध्यान में रखना होता है जो ड्रिल किया जाएगा इसका साइज हमेशा कम होगा, किससे, रीमर के साइज से, ठीक है। मान लो रीमर का साइज क्या है, 10 mm है फाइनल। रीमर का साइज मतलब जो होल आपका फिनिश होगा, फिनिशिंग के बाद उसका साइज कितना आएगा, वही आपका रीमर का साइज है।
तो रीमर के साइज से हमेशा ड्रिल का साइज क्या रखा जाता है, कम रखा जाता है। क्यों कम रखा जाता है? क्योंकि यहां पर आपको सफिशियंट मटेरियल मिल सके रीमिंग करने के लिए या होल को फिनिशिंग करने के लिए आपको सफिशियंट मटेरियल मिल सके, इसीलिए छोटा वहां पर थोड़ा उसके कंपेयर में थोड़ा छोटा होल ड्रिल किया जाता है। अभी जो आपका मटेरियल है ये एक स्टैंडर्ड रेंज में होना चाहिए, मटेरियल इतना ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर मान लो मटेरियल ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर आपकी कटिंग एजेस है उस पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ेगा, स्ट्रेन आएगा और वो आपकी ख़राब हो सकती है, आपका रीमर डैमेज हो सकता है। तो इसलिए जब भी हम कोई रीमर का यूज करना है तो उससे पहले जब हम ड्रिलिंग करेंगे तो उसके साइज का कैलकुलेशन करना बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कितना छोटा यहाँ पर होल आपको करना है। अब वो आप वहाँ पर साइज कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो साइज कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दिया जाता है, ड्रिल साइज बराबर रीमर साइज माइनस अंडर साइज प्लस ओवर साइज। अब यहाँ पर दो नई टर्मिनोलॉजी आ गई, अंडर साइज और ओवर साइज। ड्रिल साइज तो आप सभी को पता है कि रीमर करने से पहले जो यहाँ पर आप ड्रिलिंग करोगे वो ड्रिल साइज हो गया, रीमर साइज मतलब रीमिंग करने के बाद जो यहाँ पर आपको फाइनल साइज फिनिश साइज मिलने वाला है। अब यहाँ पर दो टर्म है, अंडर साइज और ओवर साइज, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले जानते हैं ओवर साइज क्या होता है। तो इट इज जनरली कंसीडर दैट ये ट्विस्ट ड्रिल विल मेक ये होल लार्जर देन इट्स डायमीटर। बेसिकली ये मान्यता होती है, माना जाता है कि जो भी आपका ट्विस्ट ड्रिल है, जो भी उस ड्रिल का साइज है, वो अपने साइज से हमेशा थोड़ा ज़्यादा बड़ा होल क्रिएट करता है। जैसे मान लो ड्रिल का साइज दिया गया है 10 mm, ठीक है, तो कभी भी जब और ड्रिलिंग हो जाएगा उस होल को आप मेजर करोगे तो होल का साइज 10 mm से ज़्यादा ही आएगा, थोड़ा बड़ा ही आएगा होल का साइज। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर कई सारी एरर्स होती हैं, जैसे जब आप ड्रिलिंग कर रहे होते हैं तो जो स्पिंडल होता है उसमें कुछ वहाँ पर वाइब्रेशन होती है, तो उसके कारण दिल में भी क्या होती है, वाइब्रेशन होती है। कई बार जॉब में भी थोड़ी वाइब्रेशन हो जाती है, प्ले हो जाती है, तो इस कारण वहाँ पर होल थोड़ा सा हमारा बड़ा बन जाता है जो भी यहाँ पर आपका ड्रिल का साइज यूज किया जाता है उससे। तो इसको कंपनसेट करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, रीमर साइज में से माइनस कर लेते हैं। अभी इधर एज्यूम किया जाता है, ठीक है, कि ओवर साइज लगभग आपका जब भी आप कैलकुलेट करोगे तो 0.05 mm आपको क्या करना है, कम कर लेना है, ठीक है। तो 0.05 mm, जिसे आप 50 माइक्रोन कह सकते हैं, ये हमेशा क्या होता है, ड्रिल अपने साइज से इतना बड़ा होल बनाता है, ये आपको कंसीडर करके चलना होता है, ठीक। अंडर साइज का मतलब क्या होता है, तो अंडर साइज का मतलब हो गया जब भी आपका होल है तो उसे कुछ छोटा रखना, ठीक है, उसे क्या रखना, थोड़ा सा छोटा रखना, तो उसी का मतलब होता है यहाँ पर बेसिकली अंडर साइज, ठीक। अब अंडर साइज कितना कम हो सकता है, अगर मान लीजिए ये 5 mm है, ठीक है, 0 से लेकर के 5 mm ड्रिल बिट का साइज है, तो उसके लिए अंडर साइज कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर दिया जाता है, बेसिकली यहाँ पर आप देख सकते हैं एक कॉलम में आपको दिया गया है डायमीटर ऑफ ड्रिल, दूसरे कॉलम में अंडर साइज ऑफ रफ बोर्ड और होल इन mm। तो अगर आपका ड्रिल बिट का साइज 0 से लेकर के 5 mm तक है, ठीक है, तो इसमें अंडर साइज कितना होगा, 0.1 से 0.2 होगा। 5 से लेकर के 20 mm के बीच में है तो यहाँ पर 0.2 से 0.3 लिया जाएगा, ठीक। अब इसमें भी मान लो 5 mm से लेकर के 10 mm के बीच में ड्रिल बिट का साइज दिया गया है तो हम क्या करेंगे, 0.2 mm लेंगे यहाँ पर अंडर साइज, और अगर 10 से 20 के बीच में यहाँ पर ड्रिल का साइज है तो 0.3 mm यहाँ पर हम अंडर साइज लेंगे। इससे ऊपर कभी पूछा नहीं जाता, बट आप देख लो 21 से 50 के लिए यहाँ पर 0.3 से 0.5 है, और 50 से ऊपर के लिए यहाँ पर 0.5 से 1 mm तक अंडर साइज रखा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर 5 से 20 वाली रेंज है, 0.2 से 0.3, ध्यान क्या रखना है, 5 से 10 के बीच में 0.2 लेना है और 10 से 20 के बीच में 0.3 लेना है, इतना ही यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है। चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे हमको क्या निकालना था, वहां पर ड्रिल साइज निकालना था। अब ड्रिल साइज के लिए हमको रीमर साइज और फिनिश साइज है कितना दिया गया था, फिनिशिंग साइज हमको दिया गया है 10 mm, ठीक। एक बार आपको क्वेश्चन फिर से दिखा देते हैं, यहाँ पर आपको दिया गया है 10 mm आपका फिनिशिंग साइज है, 0.2 यहाँ पर अंडर साइज है, ओवर साइज 50 माइक्रोन है। अब कैलकुलेशन देख लीजिए, तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेशन की बात की जाए तो यहाँ पर जो फिनिशिंग साइज है 10 mm हो गया, अंडर साइज न्यूमेरिकल में भी दिया गया है, टेबल के अनुसार भी आप ध्यान रखो, तो 10 तक हम क्या लेते हैं, 0.2 लेते हैं। ओवर साइज की वैल्यू हमेशा 0.05 ली जाती है, क्वेश्चन में भी दिया गया है, फार्मूले में वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो ड्रिल साइज बराबर क्या हो गया, रीमर साइज, रीमर साइज के स्थान पे 10 रख दिए, माइनस अंडर साइज 0.02 और ओवर साइज क्या हो गया 0.05, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये 0.02 ना होके इसको क्या लिखना था, 0.2 लिखना था, ठीक है, इसको क्या लिखना था,
0.2 लिखना था, ठीक, क्योंकि यहाँ पर हमारा टेबल के अनुसार अंडर साइज क्या है, 0.2 है। इसमें हमको क्या जोड़ना है, इसमें हमको जोड़ना है 0.05, ठीक है। थोड़ा सा टाइपिंग में कई बार मिस्टेक यहाँ पर हो जाती है, तो इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा। तो 10 में से जब 0.25 को माइनस करेंगे यहाँ पर कितना आएगा, 9.75 इसका उत्तर निकल के आएगा, ठीक। अब 9.7 क्या हो गया, तो 9.75 आपका हो गया ड्रिल का साइज, जो आपको यहाँ पर बेसिकली ड्रिलिंग करनी है। तो ये आपके क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, तो आपके क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 9.75। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो गया। कई कई केस में मान लो आपको यहाँ पर 9.75 का अगर नहीं दिया गया है, उत्तर में 9.8 दिया गया है, तो आप 9.8 की तरफ भी जा सकते हैं, अप्रॉक्स जो आसपास वैल्यू हो उसको आप वहां पर क्लिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है व्हाट इज द नेम ऑफ द टूल। यहाँ पर आपको एक टूल दिखाएगा, बेसिकली एक ग्राइंडिंग का टूल है। अब यहाँ पर पूछा गया है इस टूल का नाम क्या है, ऑप्शन दिया गया आपको स्टोन ड्रेसर, डायमंड ड्रेसर, स्टार व्हील ड्रेसर या एब्रेसिव स्टिक ड्रेसर। तो इसमें ज़्यादा कुछ आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, अगर आप फिगर को भी ध्यान से देखते हो तो इसका उत्तर आप आसानी से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो ये देख लीजिए, यहाँ पर जब आप इसको ध्यान से देखोगे तो अंदर आपको क्या बना है, ये आप यहाँ पर देखिए तो आप देख सकते हैं क्या बना है, स्टार का शेप यहाँ पर आपको बनाया गया है। तो इस स्टार के शेप से ही आप इसका उत्तर क्या कर सकते हो, स्टार व्हील ड्रेसर। इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा, स्टार व्हील ड्रेसर इसका उत्तर हो जाएगा। कहाँ यूज करते हैं, क्या डिटेल है, इसको हम अच्छे से क्वेश्चन के डिस्क्रिप्शन में समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो स्टार व्हील ड्रेसर है इसका यूज क्या होता है, इसमें बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं, इसमें कई सारे नंबर ऑफ हार्डन स्टार शेप के व्हील लगे होते हैं। यहाँ पर जो बेसिकली ड्रेसिंग व्हील है किसमें, स्टार के शेप में कई सारे हैं, ठीक, माउंटेड ऑन ए स्पिंडल वन इंड एंड ए हैंडल अदर इंड। तो यहाँ पर एक आपका स्पिंडल होता है, ठीक है, अंदर यहाँ पर जो कि नट बोल्ट के द्वारा यहाँ पर कसा गया है, तो इसी पर ही आपके स्टार व्हील माउंटेड होते हैं। दूसरे साइड पर क्या होता है, हैंडल होता है। इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो स्टार व्हील ड्रेसर का यूज कहाँ करते हैं, यूजफुल फॉर पेडस्टल ग्राइंडर इन व्हिच ए प्रिसीजन फिनिश इज नॉट एक्सपेक्टेड। तो जहां पर भी आपका उतना अच्छा फिनिशिंग नहीं चाहिए, जैसे कि पेडस्टल ग्राइंडर हो गया, तो वहां पर आपके स्टार व्हील ड्रेसर का प्रयोग किया जाता है। बेसिकली एक होता क्या है, तो बेसिकली जब हम ग्राइंडिंग व्हील का प्रयोग करते हैं तो उसमें ग्लेजिंग और लोडिंग के दोष आ जाते हैं, तो उसको रिमूव करने के लिए उसको फिर से आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है उसके ग्रेन को न्यू करने के लिए बेसिकली ड्रेसर्स का यूज किया जाता है। तो उसी में वन ऑफ ये आपका क्या है, टाइप है स्टार व्हील ड्रेसर, ठीक। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देखना है, स्टार व्हील ड्रेसर शुड बी यूज्ड ओनली ऑन व्हील व्हिच आर लार्ज इनफ टू टेक द लोड। क्योंकि यहाँ पर जब आप इसका प्रयोग करते हो तो काफ़ी ज़्यादा फोर्स पड़ता है व्हील पर, आपका जो यहाँ पर पहिया होता है ग्राइंडिंग व्हील, तो इतना एनफ लोड होने लेने के लिए वो आपका सक्षम होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको सेफ्टी के पर्पज़ ध्यान रखना है। मेजरली इसे क्वेश्चन एग्जाम में क्या पूछा जाता है, तो क्वेश्चन में आपके एग्जाम में केवल फिगर दिया जाता है, आपको पहचानना होता है कौन सा ड्रेसर है, तो स्टार व्हील ड्रेसर है। ज़्यादा ज़्यादा पूछा जाता है किस पर उपयोग करते हैं, तो पेडस्टल ग्राइंडर पर इसका यूज किया जाता है। अगर क्वेश्चन का लेवल काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, नहीं तो आपका एज यूजुअल नॉर्मल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हिच इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड इन ग्राइंडिंग व्हील। तो ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की ताकत को कौन इंगित करता है, ऑप्शन दिया गया है ग्रिड, ग्रेड, संरचना या ग्रेन का आकार। तो अपनी पिछली वाली वीडियो 13 नंबर वीडियो में हमने इसको एक पूरे टेबल चार्ट के द्वारा काफ़ी अच्छे से संबंध समझा था कि ग्रेन क्या होता है, ग्रेड क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेन साइज क्या है, कौन कौन से वहाँ पर, इसके पूरे डिटेल में इसको हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। तो इसीलिए आप कहते हैं जो भी आपकी जो प्रीवियस वीडियो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन एक दूसरे से क्या होते हैं, लिंक होते हैं। फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ग्राइंडिंग व्हील में बॉन्ड की स्ट्रेंथ किसके द्वारा पता चलती है, तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बेसिकली आपका बताता है ग्रेड, कि किस ग्रेड का यहाँ पर आप ग्राइंडिंग व्हील यूज कर रहे हो वही क्या बताता है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताता है। बॉन्ड बेसिकली क्या होता है, तो बॉन्ड वो मटेरियल होता है जो कि एब्रेसिव ग्रेन को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। एब्रेसिव ग्रेन क्या है, तो एब्रेसिव ग्रेन आपके कटिंग का कार्य करते हैं ग्राइंडिंग व्हील में, जहाँ पर छोटे छोटे कण यूज किए जाते हैं, ठीक है,
जो ग्राइंडिंग व्हील के निर्माण करते हैं, जो कटिंग का कार्य करते हैं, उसे हम एब्रेसिव कहते हैं। और एब्रेसिव कणों को आपस में जोड़ने के लिए, जैसे मान लो ये आपका ग्राइंडिंग व्हील है, इसमें एब्रेसिव है, एब्रेसिव कणों को क्या होगा, आपस में जोड़ना होगा। तो इसके लिए जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाएगा उसे बांड कहा जाएगा। जैसे तारकोल का एग्जाम्पल हमने दिया था, जब सड़क बनती है तो वहाँ पर जो गिट्टी होती है, आपका सीमेंट, जो भी आपका वहाँ पर कंक्रीट होता है, इसको जोड़ने का काम कौन करता है, तारकोल करता है। तो गिट्टी आपकी क्या हो गई, आपकी जो बजरी हो गई वो हो गया आपका एब्रेसिव, और जो तारकोल हो गया होगा आपका क्या हो गया, बॉन्ड हो गया। ठीक, अब उस बॉन्ड की हार्डनेस कितनी है, ठीक है, कितना सॉफ्ट है, कितना मीडियम, कितना हार्ड है, उसमें कितनी ताकत है, कितनी स्ट्रेंथ है, वही क्या इंगित करता है यहाँ पर, ग्रेड इंगित करता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं इसका डिटेल में बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर बात की जाए ग्रेड की, जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया, ग्रेड इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। ठीक, जो भी आप बॉन्ड यूज कर रहे हैं, बाइंडिंग मटेरियल, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, वो किसके द्वारा दर्शाई जाती है, ग्रेड के द्वारा दर्शाई जाती है। देयरफॉर द हार्डनेस ऑफ द व्हील, तो व्हील आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है कितना हार्ड होगा, ये डिपेंड करता है कि किस ग्रेड का आप उसमें बॉन्ड यूज कर रहे हो। अब बेसिकली इसको तीन ग्रेड में हम बांटते हैं, कौन कौन सा, पहला हो गया यहाँ पर आपका सॉफ्ट ग्रेड। सॉफ्ट ग्रेड एच से लेकर एच तक बेसिकली जो ग्रेड होते हैं, इसको ए टू जेड, ए से लेकर जेड तक हम दिखाते हैं ग्रेड को। अब इसमें कैटेगरी वाइज जो ए टू एच होता है, इसको सॉफ्ट के अंतर रखा जाता है। और सॉफ्ट का यूज बेसिकली कहाँ करते हैं, तो सॉफ्ट बेसिकली जब आपका मान लीजिए कोई आपका हार्ड मेटल है, ठीक है, काफ़ी हार्ड मेटल है, टेनसिस मटेरियल है, तो उस कंडीशन में आपका सॉफ्ट बांड वाले का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, मीडियम के लिए बात की जाए तो मीडियम का यहाँ पर ग्रेड होता है आई से लेकर क्यू तक। हार्ड की बात की जाए, हार्ड का होता है क्यू से लेकर के जेड तक। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है ए से एच वाले में, और इसमें भी आपको एग्जाम में जी और एच दिया जाता है कई बार, कि जी और एच किसके अंतर्गत आते हैं, तो सॉफ्ट के अंतर्गत आते हैं। अब हार्ड वाले का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो इसमें बेसिकली जस्ट अपोजिट होता है, हार्ड मटेरियल है तो उसके लिए सॉफ्ट ग्रेड यूज करेंगे, सॉफ्ट मटेरियल है तो उसके लिए हार्ड ग्रेड का यूज करेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है। तो स्ट्रक्चर बेसिकली दिस इंडिकेट द अमाउंट ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल एब्रेसिव ग्रेन एंड द क्लोजनेस ऑफ द इंडिविजुअल ग्रेन टू ईच अदर। जैसे आपका एक कोई ग्राइंडिंग व्हील है, इसमें बहुत सारे आपके एब्रेसिव कण हैं, ठीक है। अब इस पूरे ग्राइंडिंग व्हील में कितने एब्रेसिव कण उपस्थित हैं, वही क्या है इसका स्ट्रक्चर है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए एक कण से दूसरे कण के बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, गैप कितना है, यही क्या होता है, तो यही इसका स्ट्रक्चर होता है। अब इसको बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है, एक हो गया आपका क्लोज स्ट्रक्चर, एक हो गया ओपन स्ट्रक्चर। तो क्लोज स्ट्रक्चर वाले की बात की जाए कि क्लोज स्ट्रक्चर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो जो आपका क्लोज, इसी को हम डेंस स्ट्रक्चर के भी नाम से जानते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार यहाँ पर आपको एग्जाम में दे दिया जाता है डेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो या तो आपको बोला जाए क्लोज स्ट्रक्चर या बोला जाए डेंस स्ट्रक्चर, तो एक से लेकर के आठ नंबर तक होता है। यहाँ पर दो पार्टिकल के बीच गैप थोड़ा कम होगा, अच्छी फिनिशिंग के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर जो आपका दूसरा है ओपन कैटेगरी का, ओपन स्ट्रक्चर, इसमें 9 नंबर से 9 टू 16 नंबर के यहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा गैप अधिक होता है, गैप अधिक होने के कारण ये बेसिकली क्या करता है, काफ़ी तेजी से कटिंग कर सकता है, उतनी अच्छी इसमें फिनिशिंग डिजाइन नहीं होती है। पर जब हमें ज़्यादा मटेरियल रिमूव करना होता है, तेजी से कटिंग करना होता है, तो वहाँ पर ओपन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात की जाए ग्रेन साइज, या इसी को ग्रिड साइज के नाम से जानते हैं, तो आपको स्पष्ट हो गया साइज से ही नाम सुनकर कि जो एब्रेसिव ग्रेन वहां पर प्रयोग किए जा रहे हैं उनका साइज कितना है, वही क्या होता है ग्रेन साइज या ग्रिड साइज होता है। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो बेसिकली जैसे मान लीजिए कोई एक सीव है, छलनी है, तो बेसिकली इसको डिफरेंट डिफरेंट सीव के द्वारा क्लासीफाई किया जाता है। जैसे एक पूरा मान लीजिए यहाँ पर डब्बा ले लिया गया ग्रेन का, अब उसको पहले सबसे बड़े वाले जो सबसे बड़ा छलनी है उससे छान लिए, उसमें क्या होगा छोटे छोटे चले जाएंगे, बड़ा वाला बच जाएगा, फिर उसको उससे नीचे वाले से छानेंगे, फिर उसे थोड़ा अलग, जैसे आप यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं
जो घरों में आटा चालने के लिए छलनी प्रयोग की जाती है, इसमें कई सारे रिप्लेसिबल यहाँ पर उसके तवे आते हैं, ठीक है, तीन चार पांच उसके सेट में होते हैं। मान लो आपको काफ़ी बारीक चालना है तो उसमें काफ़ी बारीक का प्रयोग करते हैं, थोड़ा मोटा का प्रयोग करते हैं, उसे थोड़ा ज़्यादा मोटा का प्रयोग करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू यूज के अनुसार। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर सबसे पहले मान लो अगर बात किया जाए कितने में डिवाइड किया गया, तो सबसे पहले आता है कोर्स कैटेगरी। कोर्स मतलब इसका साइज होता है 10 से 24। 10 से 24 का मतलब क्या, अगर एक यहाँ एक स्क्वायर इंच लिया जाए तो एक स्क्वायर में इंच में जो छेदों की संख्या है, नंबर ऑफ होल है, ये कितने हो सकते हैं, 10 से 24 हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कोर्स ग्रेन का, कि जो एक स्क्वायर इंच की बात की जाए तो एक स्क्वायर इंच में जो नंबर ऑफ यहाँ पर होल्स होंगे वो कितने होंगे आपके, 10 से लेकर के 24 होंगे, ठीक। अब मीडियम की बात की जाए तो नंबर ऑफ होल थोड़े बढ़ जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, ये 30 to 60 हो जाएगा। फाइन में बात की जाए तो 82 यानी 180 होता है, और वेरी फाइन में 220 से 600 के बीच होता है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पर आपको कई बार एग्जाम्पल दिया जाता है 46 का, और कई बार यहाँ पर आपको 60 दिया जाता है। तो ये दोनों किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये दोनों के दोनों आपके मीडियम के अंतर्गत आते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक। अब मान लीजिए कोर्स ग्रेन है, ठीक है, तो कोर्स ग्रेन का क्या होगा, साइज काफ़ी बड़ा बड़ा होगा, और फाइन ग्रेन है तो उसका साइज क्या होगा, काफी छोटा होगा, ठीक। अब कोर्स ग्रेन है उसमें ज्यादा है, उसके एब्रेसिव कण बड़े होंगे, बड़े होने के कारण काफी फास्ट स्पीड से कटिंग करेंगे, और जो सरफेस फिनिश है उतनी अच्छी नहीं होगी, उसका प्रयोग सॉफ्ट मेटल के लिए किया जाएगा। फाइन ग्रेन में छोटे छोटे वहां पर एब्रेसिव कण होंगे तो धीरे धीरे कटिंग करेंगे, सरफेस फिनिश काफी अच्छी आएगी, इसका प्रयोग किया जाएगा हार्ड और ब्रिटिल मटेरियल के लिए, ठीक। तो आशा करते हैं क्वेश्चन फुल डिटेल में क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द नेम ऑफ डिफेक्ट इफ द सरफेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील डेवलप्स स्मूथ एंड शाइनिंग अपीयरेंस। ग्राइंडिंग व्हील काफी देर काफी समय यूज के बाद उसकी सरफेस क्या हो जाती है, चिकनी और चमकदार हो जाती है। तो यदि सरफेस उसकी चमकदार और चिकनी हो गई है तो इस दोष को क्या कहा जाता है, तो इसको भी हमने अच्छे से क्लियर किया पिछले वीडियो में, इसको कहा जाता है ग्लेजिंग के नाम से। इसको क्या कहते हैं, ग्लेजिंग कहते हैं। और वहीं पर अगर ग्राइंडिंग व्हील में जो एब्रेसिव ग्रेन्स है उसके बीच जो गैप होता है उसमें अगर चिप्स जाके भर जाती है तो उसको क्या कहा जाता है, तो उसको लोडिंग कहा जाता है। और ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, ड्रेसिंग का मतलब होता है इसको सही करना, जो ग्लेजिंग है और लोडिंग है इसके दोष को सही करना ही ड्रेसिंग कहलाता है। और ट्रूइंग बेसिकली बैलेंसिंग ऑफ व्हील है, यहाँ पर सारा यहाँ पर आपको इसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। लोडिंग का मतलब क्या है, जब भी हम सॉफ्ट मटेरियल जैसे एल्युमिनियम कॉपर लेड की ग्राइंडिंग करते हैं तो जो मेटल के पार्टिकल होते हैं चिप्स होते हैं यहाँ पर उसके पुअर जो ग्राइंडिंग व्हील में जो स्पेस होता है उसके बीच फंस जाते हैं, इसी को लोडिंग कहा जाता है, और फिर आपका वो ग्राइंडिंग व्हील कटिंग करना बंद कर देता है। ग्लेजिंग क्या है, तो जब यहाँ पर सरफेस आपकी काफ़ी स्मूथ और शाइनिंग हो जाए तो इसे ग्लेजिंग कहा जाता है, ठीक है। और ये भी क्या है, ये आपका इंडिकेट करता है कि आपका जो ग्राइंडिंग व्हील है ब्लंट हो गया है, अब इसके जो ग्रेन है शार्प नहीं रह गए, ये कटिंग का काम नहीं करेगा। ड्रेसिंग बेसिकली क्या है, तो ड्रेसिंग आपका क्या करता है, रीस्टोर करता है ग्राइंडिंग व्हील के कटिंग एक्शन को, मतलब उसको सही करने का काम करता है, मरम्मत करने का काम करता है, चाहे आपका ग्लेज्ड व्हील हो या फिर आपका लोडिंग वाला व्हील हो, दोनों को इसी के द्वारा सही यहाँ पर किया जाता है। नए ग्रेन्स उसको एक्सपोज करना, नए ग्रेन को उभारने का काम ड्रेसिंग के द्वारा किया जाता है। ट्रूइंग क्या है, तो ट्रूइंग जब भी आपकी कोई नई व्हील है या पुरानी व्हील है काफ़ी देर तक चल चुकी है तो उसको क्या करते हैं, वहाँ पर कंसंट्रिक रन करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, सेट करते हैं, जिससे वो स्पिंडल के एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सके, तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो यही प्रक्रिया ट्रूइंग कहलाती है, ठीक है। और यूज करने से पहले कोई भी नया व्हील है उसको यूज करने से पहले ट्रू करना बहुत ही जरूरी होता है। आशा करते हैं डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट इज मेड अप ऑफ रॉट आयरन। जो कृषि वाले उपकरण हैं, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट हैं, इसको रॉट आयरन से क्यों बनाया जाता है, उसके पीछे कारण क्या होता है। तो एज फर्स्ट ग्लिम्स अगर आपको बात किया जाए कि इसका उत्तर क्या हो सकता है, तो इसको आप ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हो। लो कास्ट, तो यहाँ पर कास्ट कोई मैटर नहीं करता, हैवी वजन, वजन भी कोई मैटर नहीं करता है,
दो ऑप्शन में आप फंस सकते हो, वेयर रेजिस्टेंट या फिर कोरोजन रेजिस्टेंट, ठीक है। अब यहां पर जब आप कृषि उपकरण की बात करते हैं, तो कृषि मतलब वहां पर कई बार वहां पर पानी हो सकता है, किसी भी मौसम में यूज कर सकते हो, तो उसमें क्या होता है बेसिकली जंग लगने का खतरा ज्यादा आता है, ठीक है। जबकि मिट्टी में यूज करना है आपको, ठीक है, मड में यूज करना है, बहुत सारे मौसम में यूज करना है, तो वहां पर आपके रजिस्ट जो बेसिकली रस्ट होता है उसकी संभावना ज्यादा होती है, तो रस्ट से बचाने के लिए उसको कोरोजन रेजिस्टेंस हमें बनाना होता है, जंग प्रतिरोधी बनाना होता है। तो अगर आपको पूरा फंडा नहीं क्लियर है, तो कुछ इस प्रकार से सोच के आप इसका उत्तर दे सकते हैं कि इसको कोरोजन रेसिस्टेंट होने के कारण ही इसका प्रयोग किया जाता है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाने के लिए। बाकी डिटेल को हम समझते हैं अपने सब्सिक्वेंट स्लाइड में। अब सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि रॉट आयरन बेसिकली क्या होता है। तो रॉट आयरन की बात की जाए तो सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन होता है, ठीक है, सबसे प्योर फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे शुद्ध जो लोहा होता है कौन सा होता है, वो रॉट आयरन ही होता है, ठीक है। अब इसमें कितना परसेंट आयरन होता है, तो लगभग 99.9%, ठीक है। कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है, लगभग ना के बराबर 0.01% आपकी लगभग यहाँ पर कार्बन होती है, तो लगभग ना के बराबर नगण्य होती है। 99.9% यहाँ पर शुद्ध लोहा पाया जाता है। व्हेन हीटेड, जब इसको हीट किया जाता है, रॉट आयरन डज नॉट मेल्ट, तो जब इसको बेसिकली हीट करते हैं रॉट आयरन को, तो ये पूर्ण रूप से पिघलता नहीं है, बल्कि किस शेप में आ जाता है, ये पेस्टी फॉर्म में, ठीक है, आपका पेस्ट फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको हम क्या कर सकते हैं, इजीली किसी भी शेप में फोर्ज किया जा सकता है, चूंकि ये पूर्ण रूप से पिघलता नहीं है, पेस्ट फॉर्म में होता है, तो इसको आसानी से किसी भी शेप में इसको हम क्या कर सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको माइक्रो स्ट्रक्चर दिखाया गया है, किसका, यहाँ पर रॉट आयरन का। अब इसकी बात की जाए कि रॉट आयरन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बेसिकली जो रॉट आयरन का स्ट्रक्चर होता है फाइबरस होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर कुछ लंबे लंबे यहाँ पर आपको दिखाए गए, ठीक है। अगर क्रिस्टलाइन, कास्ट आयरन क्रिस्टलाइन होगा, तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर उसके बने रहेंगे, ठीक है, ठीक है, कैसा होगा, कुछ इस प्रकार से बना रहेगा क्रिस्टल उसमें। इसका क्या होता है, फाइबरस होता है, इसलिए देखो यहाँ पर अलग अलग धारियां दिखाई गई हैं, ठीक है। तो स्ट्रक्चर से कई बार यहाँ पर आपको सिंपल यही फिगर दे दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा आयरन है, तो ये कौन सा है, आपका रॉट आयरन है, स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पर फाइबरस है। अब इसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज होती हैं, वो डिसाइड करती हैं कि इसका यूज कहाँ किया जाना है। जैसे सबसे पहले प्रॉपर्टी, ये मेलेबल होता है, साथ ही साथ डक्टाइल भी होता है, इट कैन नाइदर बी हार्डेंड और नॉट टेम्पर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखनी है कि इसको हम हार्ड और टेम्पर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब मैलेबल और डक्टाइल होने के कारण इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो आर्किटेक्चरल वर्क में, ठीक है, जो आपका आर्किटेक्चरल वर्क है, तो वहां पर इसका प्रयोग किया जाता है, संरचना वाले कार्यों में, भवन निर्माण वगैरह के कार्यों में इसका प्रयोग काफी अच्छे से किया जाता है, डक्टाइल और मैलेबल होने के गुण के कारण। नेक्स्ट, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, रॉट आयरन इज यूज्ड फॉर मेकिंग क्रेन हुक्स, आपसे एग्जाम में दिया जाता है कि रॉट आयरन का प्रयोग क्रेन के हुक बनाने के लिए करते हैं, चैन लिंक के लिए करते हैं, बोल्ट और नट बनाने के लिए करते हैं, रेलवे की कपलिंग बनाने के लिए करते हैं, इसके पीछे कारण क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी है जो पाई जाती है, तो इसकी क्या क्या प्रॉपर्टी, सबसे पहले काफी टफ होता है, ठीक है, टफ के साथ साथ शॉक रेजिस्टेंस होता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फाइबरस है, इसलिए काफी ज्यादा ये शॉक को आसानी से झेल सकता है, इसकी वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है, और इसकी अल्टीमेट जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है बहुत ही ज्यादा होती है, अराउंड 350 न्यूटन पर स्क्वायर एमएम। अगर एक स्क्वायर एमएम कोई इतना छोटा सा एरिया लो, तो उसमें आप 350 न्यूटन का लोड उसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि क्रेन हुक क्यों बनाए जाते हैं, तो ये आपका क्या होता है, मैलेबल होता है, डक्टाइल होता है, टफ होता है, इसी के कारण इसका प्रयोग किया जाता है क्रेन हुक्स बनाने के लिए। देन यहाँ पर नो इफेक्ट इन साल्ट वाटर, बेसिकली जो साल्ट वाटर होते हैं, जो लवणीय घोल होता है, उसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए इसका प्रयोग मरीन वर्क्स में किया जाता है, जो शिप वगैरह आपकी चलती हैं समुद्र में, तो उसके कई सारे यहाँ पर पार्ट्स बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको पता है जो समुद्र का पानी होता है खारा होता है, साल्टी होता है, और साल्ट का इस पर कोई इफेक्ट पड़ता नहीं, इसलिए मरीन वर्क में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, विल नॉट रिटेन द मैग्नेटिज्म, बेसिकली जिसमें चुंबकीय गुण होता है ये हमेशा के लिए नहीं होता है, टम्परेरी होता है, ठीक है, इसीलिए इसका प्रयोग टम्परेरी मैग्नेट बनाने के लिए या डायनेमो के कोर बनाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन पूछा गया था,
एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाने के लिए क्यों यूज किया जाता है रॉट आयरन का? क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसमें क्या होती है, कोरोजन रेसिस्टेंस प्रॉपर्टी होती है, संक्षारण प्रतिरोध की क्षमता होती है, जंग का इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट बनाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, इजी टू फोर, इसकी फोर्जिंग आसानी से की जा सकती है। क्यों? क्योंकि जब इसको हम मेल्ट करते हैं तो ये पेस्ट फॉर्म में रहता है, ठीक है। वाइड टेम्परेचर रेंज, इसकी जो टेम्परेचर रेंज होती है मेल्टिंग की काफ़ी ज़्यादा होती है, 850 से लेकर के 1350 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या होता है, पेस्ट फॉर्म में ही रह सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग पाइप, फ्लेंज, जितने भी आपके फोर्जिंग वाले इक्विपमेंट हो आसानी से इससे बनाए जा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको फुल यहाँ पर क्लियर हो गया होगा रॉट आयरन का यूज कब करते हैं, कहाँ करते हैं, क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आपको एक ब्लास्ट फर्नेस दिखाई गई है और इसमें एक्स से मार्क किए गए पार्ट के बारे में पूछा गया है कि एक्स से जो यहाँ पर पार्ट मार्क किया गया है इसका नाम क्या है, ठीक। तो बेसिकली इसका नाम क्या है, ट्यूयर्स है, ठीक है। इसका नाम क्या है, ट्यूयर्स है, तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। इसका प्रयोग बेसिकली, ट्यूयर्स क्या होता है, तो इसके द्वारा यहाँ पर आपकी जो गर्म हवाएं होती है ब्लास्ट ईयर्स होती है, इसको ईयर इसमें ब्लास्ट किया जाता है, अंदर यहाँ पर गर्म हवाएं ट्यूयर्स के द्वारा ही भेजी जाती हैं, ठीक है। मोल्टन स्लेग क्या होता है, तो बेसिकली जब लाइम स्टोन से क्या करता है, जो भी मेटल इसमें हम क्या कर रहे हैं, स्मेल्टिंग कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, तो जब वो क्या करता है, लाइम स्टोन के साथ रिएक्ट करता है तो जो स्लेग बनता है, झाग बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मोल्टन स्लेग कहते हैं। और यहाँ पर आपका एक स्लेग होल होता है जिसके द्वारा उसको बाहर निकाल लिया जाता है यहाँ से, ठीक है। मोल्टन आयरन जो आपका पिघला हुआ बाद में लोहा होता है वो मोल्टन आयरन होता है। टैपिंग होल यहाँ पर आपका नीचे होता है जिसके द्वारा यहाँ पर धातु, पिघली हुई धातु को निकाला जाता है, इसको भी डिटेल में देख लेते हैं। आपको नेक्स्ट स्लाइड में इसका पूरा डिटेल दिया गया है, यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं। सबसे ऊपर क्या होती है, यहाँ पर एग्जास्ट गैसें निकलती हैं यहाँ पर, ठीक है। ऊपर से ये टॉप एरिया हो गया, ये आपका यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो एरिया होता है इसको स्टॉक कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था आप देख सकते हैं इसका नाम क्या है, ट्यूवर्स होता है, ठीक। बॉस हो गया, यहाँ पर बेसिकली आग जलती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आप जब हवा आएगी तो यहाँ पर बेसिकली क्या होती है, आग टाइप जलती है। हर्थ हो गया, यहीं पर आपके आपका फाइनल जो आयरन होता है वो स्टोर होता है जिसको बाद में टैपिंग होल के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। जो आपका मोल्टन आयरन है, जो आपका पिघला हुआ लोहा है, वो यहीं हर्थ में स्टोर होता है और टैपिंग होल से बाहर निकाल लेते हैं। मोल्टन स्लेग को यहाँ जो ऊपर झाग के रूप में तैरता रहती है, जो अशुद्धियाँ होती हैं इसको भी बाहर निकालते हैं, ठीक। हॉट एयर सप्लाई फ्रॉम स्टोव्स, यहाँ से भी आप हॉट एयर सप्लाई कर सकते हो। टेम्परेचर की रेंज दी गई है कि यहाँ पर 200, 500, जैसे जैसे ऊपर जाओगे यहाँ पर टेम्परेचर का रेंज बढ़ता जाता है आपका, ठीक है। देन यहाँ पर आपको दिखाया गया कि क्या क्या प्रयोग किया जाता है, कोक का प्रयोग किया जाता है ईंधन के रूप में, ठीक है। फिर आपका ओर हो गया, फिर यहाँ पर आपका लाइम स्टोन हो गया, तो एक परत परत के रूप में, तीन की परत के रूप में इसको क्या करते हैं, हम बिछाते हैं, ठीक है। तो कोक दहन के रूप में काम करता है, लाइम स्टोन आपका झाग निकालने के लिए काम करता है, गलनांक उसका कम करता है, ठीक है। और ओर तो आपका होता है जिसको हमें पिघलाना है। अब डिटेल देख लेते हैं, द फर्नेस यूज्ड फॉर स्मेल्टिंग आयरन इज ब्लास्ट फर्नेस। तो सबसे पहले आयरन को स्मेल्ट पिघलाने के लिए आयरन ओर को जो प्रयोग की जाती है आपकी ब्लास्ट फर्नेस होती है। द प्रोडक्ट ऑब्टेंड फ्रॉम स्मेल्टिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस इज पिग आयरन। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लास्ट फर्नेस का फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो पिग आयरन होता है। या पिग आयरन को किस भट्टी से बनाते हैं, तो ब्लास्ट फर्नेस से बनाते हैं। क्यूबोला फर्नेस कास्ट आयरन, पुल्डिंग फर्नेस रॉट आयरन, ठीक। द टेम्परेचर फर्नेस जस्ट अबव द लेवल ऑफ द ट्यूयर्स मेल्टिंग जोन। अभी आपका क्या है, 1000 से 1700 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है अकॉर्डिंग टू द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ओर, ठीक है। द मोल्टन आयरन में बी कास्ट इन पिग वेट्स और यूज इन अदर प्रोसेसिंग प्लांट फॉर स्टील मेकिंग। यहाँ से जो आपका फाइनल प्रोडक्ट आपका पिग आयरन प्राप्त होता है, इसी का यूज अन्य प्रकार के लोह आयरन आपके बनाने के लिए, स्टील को बनाने के लिए, इसको एज ए रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द रेंज ऑफ कार्बन कंटेंट इन कास्ट आयरन एलॉय, ठीक है। बेसिकली पूछा गया है कि कास्ट आयरन में कार्बन की परसेंटेज मात्रा कितनी होती है। तो अगर कास्ट आयरन में बात की जाए कार्बन की परसेंटेज, तो आप सभी को पता है बहुत ही इजी क्वेश्चन, शायद सबसे आसान क्वेश्चन यही है, 2 से 4%, 2 to 4% यहाँ पर कार्बन की मात्रा पाई जाती है किसमें, कास्ट आयरन में, ठीक है। अगर कास्ट आयरन की बात की जाए तो ये किसका एलॉय होता है, तो बेसिकली ये एलॉय होता है आपका आयरन का, कार्बन का और सिलिकन का, ठीक। आयरन, कार्बन और सिलिकन का एलॉय होता है कास्ट आयरन। इसमें लगभग 2 से 4% तक आपकी कास्ट आयरन की मात्रा पाई जाती है।
अब कास्ट आयरन बेसिकली आपके चार प्रकार के होते हैं, आपका ग्रे कास्ट आयरन हो गया, नोड्यूलर कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन, मेलेबल कास्ट आयरन। तो ये सब अकॉर्डिंग टू कूलिंग टेम्परेचर के अनुसार वैरी करते हैं, बनाने की विधि के अनुसार ये वैरी करते हैं। इसको भी देख लेते हैं कि कौन कौन सा यूज कहाँ किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है ये ग्रे कास्ट आयरन से पूछा जाता है, तो ग्रे कास्ट आयरन की डिटेल देख लेते हैं। दिस इज वाइडली यूज फॉर कास्टिंग ऑफ मशीनरी पार्ट एंड कैन बी मशीन्ड ईजिली। जो भी आपकी मशीन के पार्ट होते हैं मैक्सिमम कास्ट ग्रे कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं, क्योंकि इसे हम ईजिली मशीन कर सकते हैं। जो मशीन के बेस होते हैं, ठीक है, बेस मतलब उसका जो आधार होता है, या टेबल हो गया, स्लाइड बेज हो गया, ये सब किसके बनाए जाते हैं, तो कास्ट आयरन। जैसे लेथ मशीन का बेड है किससे बनाया जाता है, कास्ट आयरन से बनाया जाता है। जो भी मशीन की टेबल होती है, स्लाइड बेज होते हैं, किससे बनाए जाते हैं, कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डायमेंशनल स्टेबिलिटी होती है। ऐसा क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर जो आपका कास्ट आयरन होता है, इसको हम जो ग्रे कास्ट आयरन होता है, इसकी हम एज हार्डनिंग करते हैं। एज हार्डनिंग का मतलब इसको हम काफ़ी लंबे समय तक बाहर वातावरण में छोड़ देते हैं, कई वर्षों तक, जिसमें उसमें ठंडी, गर्मी, बरसात, सभी प्रकार के मौसम को वो झेलता है, और जो भी उसमें वहाँ पर एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होनी रहती है वो सब हो गई होती है। फिर उसमें क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी आ जाती है कि कैसा भी मौसम हो, कितना भी ज़्यादा टेम्परेचर हो जाए वर्किंग के दौरान, उसके डायमेंशन में चेंज नहीं होना है। इसीलिए इसका प्रयोग बेस, टेबल, स्लाइड बेस बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है कि इसमें क्या पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है, ठीक है। ग्रेफाइट होने के कारण ये क्या होता है, आपका एक्सीलेंट बियरिंग और स्लाइडिंग सरफेस प्रदान करता है, इसीलिए इसमें लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती, फ्री ग्रेफाइट पाए जाने के कारण ही। तो कई बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है, जो मार्किंग टेबल होती हैं वो आपकी इससे क्यों बनाई जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है, जिससे स्लाइडिंग सरफेस यहाँ पर आपको मिलती है, इसीलिए ग्रे कास्ट आयरन से मार्किंग टेबल वगैरह बनाई जाती है। मेल्टिंग पॉइंट इज लोअर देन स्टील, जो इसका मेल्टिंग पॉइंट है स्टील से क्या होता है, कम होता है, इसीलिए यहाँ पर इसकी जो फ्लूडिटी होती है काफ़ी अच्छी होती है, और जो आपकी इंट्रिकेट, जो आपकी विषम, काफ़ी जटिल कास्टिंग होती है वो इसके द्वारा आसानी से बनाई जा सकती है। ग्रे कास्ट आयरन इज वाइडली यूज फॉर मशीन टूल बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस वाइब्रेशन एंड मिनिमाइज टूल चैटरिंग। इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, मशीन के टूल बनाने के लिए भी करते हैं। उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि ये वाइब्रेशन को कम कर सकता है, झटकों को कम कर सकता है, इसीलिए इसका प्रयोग मशीन टूल बनाने के लिए भी कई बार किया जाता है। ग्रे कास्ट आयरन को जब हम क्या करते हैं, किसी के साथ अलॉय नहीं करते हैं, मान लो अगर प्योर फॉर्म में ग्रे कास्ट आयरन है तो उस समय इसमें क्या होगी, ब्रिटलनेस होगी, ठीक है, ब्रिटलनेस होगी, और जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी, काफ़ी लो होगी, इसीलिए इस पर आप इम्पैक्ट लोड नहीं डाल सकते, ठीक है। अगर आप जो आपका प्योर ग्रे कास्ट आयरन है किसी के साथ अलॉय नहीं है तो उसमें उसमें ब्रिटलनेस ज़्यादा होगी, टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होगी, उस पर इम्पैक्ट लोड नहीं डाला जा सकता। इम्पैक्ट लोड डालने से क्या होगा, वो टुकड़ों में टूट जाता है। आप उस पर कंप्रेसिव लोड डाल सकते हो लेकिन आप उस पर इम्पैक्ट लोड अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ग्रे कास्ट आयरन इज ऑफन अलाउड विथ निकिल, क्रोमियम, वैनेडियम और कॉपर टू मेक इट टफ। बेसिकली ग्रे कास्ट आयरन को हम क्या करते हैं, क्रोमियम, वैनेडियम, कॉपर, इन सब के साथ क्या करते हैं, मिक्स करते हैं इसको टफ बनाने के लिए, ठीक है, थोड़ा सा इसमें शक्ति देने के लिए, क्योंकि इसमें क्या होती है, ब्रिटलनेस होती है। ग्रे कास्ट आयरन इज वेल्डेबल बट द बेस मेटल नीड्स प्री हीटिंग। अब जो ग्रे कास्ट आयरन होता है ये नॉर्मल स्थिति में इसको हम वेल्ड नहीं कर सकते, लेकिन वेल्डिंग करते समय अगर बेस मेटल को हम प्री हीट करते हैं तो उस कंडीशन में इसको वेल्डिंग किया जा सकता है। प्री हीट का मतलब उसको पहले से कुछ टेम्परेचर तक गर्म करना, वही क्या कहलाता है, प्री हीट कहलाता है। दूसरा जो कास्ट आयरन है, यहाँ पर दूसरा कास्ट आयरन का टाइप है व्हाइट कास्ट आयरन। व्हाइट कास्ट आयरन बेसिकली क्या होता है, दिस इज ए वेरी हार्ड एंड वेरी डिफिकल्ट टू मशीन। जो ये व्हाइट कास्ट आयरन होता है काफ़ी हार्ड होता है, इसको मशीन करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, ठीक है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज यूज्ड इन कंपोनेंट व्हिच शुड बी एब्रेशन रेजिस्टेंट। क्योंकि इसको मशीन करना काफ़ी हार्ड होता है, काफ़ी हार्ड मटेरियल है, स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए इसका प्रयोग ऐसे कंपोनेंट्स बनाने के लिए किया जाता है जहाँ पर आपको क्या है, स्क्रैच रेजिस्टेंस चाहिए, ठीक है, एब्रेशन रेजिस्टेंस चाहिए, मतलब घर्षण प्रतिरोधी चाहिए, वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। व्हाइट कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस्ड बाय लोअरिंग द सिलिकन कंटेंट एंड रैपिड कूलिंग। इसको बनाते कैसे हैं, जब बेसिकली हम कास्ट आयरन को मतलब मेल्ट कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में अगर हम रैपिड कूलिंग करते हैं और सिलिकन कंटेंट को कम कर देते हैं तो इससे हमारा जो आयरन प्राप्त होता है उसको हम कास्ट आयरन के नाम, सॉरी,
व्हाइट कास्ट आयरन के नाम से जानते हैं। और कई बार जो हम रैपिड कूलिंग आयरन की बात करें तो रैपिड कूलिंग के कारण ही इसको क्या कहा जाता है, चिल्ड कास्ट आयरन के नाम से भी जाना जाता है। तो चिल्ड कास्ट आयरन, व्हाइट कास्ट आयरन दोनों क्या है, एक ही होता है। व्हाइट कास्ट आयरन कैन नॉट बी वेल्डेड, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि व्हाइट कास्ट आयरन की वेल्डिंग नहीं की जा सकती। नेक्स्ट यहाँ पर मैलेबल कास्ट आयरन, मैलेबल कास्ट आयरन हैज इंक्रीज डक्टिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड टफनेस व्हेन कंपेयर्ड विथ ग्रे कास्ट आयरन। अगर ग्रे कास्ट आयरन से कंपेयर किया जाए तो जो मैलेबल कास्ट आयरन है इसमें डक्टिलिटी, टेंसाइल जो स्ट्रेंथ होती है या टफनेस होती है क्या होती है, थोड़ी सी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्रे कास्ट आयरन। मैलेबल कास्ट आयरन इज प्रोड्यूस फ्रॉम व्हाइट कास्ट आयरन बाई प्रोलॉन्ग्ड हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस लास्टिंग फॉर अबाउट 30 आवर्स। तो मैलेबल कास्ट आयरन को किससे बनाया जाता है, तो इसको व्हाइट कास्ट आयरन से बनाया जाता है। व्हाइट कास्ट आयरन की बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर हम हीट ट्रीटमेंट करते हैं लगभग 30 आवर तक। 30 आवर मीन्स अराउंड आपका कह लीजिए 1 दिन से ज़्यादा यहाँ पर उसकी हीट ट्रीटमेंट की जाती है, डक्टिलिटी बढ़ाने के लिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, टफनेस बढ़ाने के लिए। तो बेसिकली यहाँ पर कौन सी प्रोसेस होती है आपकी, एनीलिंग वाली प्रोसेस यहाँ पर की जाती है, जिससे यहाँ पर इसकी डक्टिलिटी थोड़ी सी क्या होती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट बात किया जाए जो सबसे लास्ट है यहाँ पर, नोड्यूलर कास्ट आयरन। नोड्यूलर कास्ट आयरन की विशेषता क्या होती है, दिस इज वेरी सिमिलर टू मेलेबल कास्ट आयरन बट दिस प्रोड्यूस विदाउट एनी हीट ट्रीटमेंट। जो नोड्यूलर कास्ट आयरन है ये मेलेबल कास्ट आयरन की जैसा ही होता है, मतलब इसमें डक्टिलिटी ठीक ठाक होती है, मेलेबिलिटी ठीक ठाक होती है, स्ट्रेंथ भी ठीक ठाक होती है, लेकिन इसको हम हीट ट्रीटमेंट के द्वारा नहीं बनाते हैं, इसको हम सिंपली बनाते हैं ठीक है, ग्रेफाइट के फॉर्म में। नोड्यूलर कास्ट आयरन इज ऑल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जानते हैं, तो इसको डक्टाइल आयरन के नाम से भी जानते हैं या स्फोरोडाइल ग्रेफाइट आयरन के भी नाम से जानते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, नोड्यूलर कास्ट आयरन में जो ग्रेफाइट होती है वो गोल गोल गेंद के रूप में रह जाती हैं ठीक है। इसको कुछ हम इस प्रकार से बनाते हैं कि जो ग्रेफाइट होती है वो छोटी छोटी स्फेरॉइडल मतलब स्फेयर के शेप में रह जाती है, जिसकी वजह से यहाँ इसकी प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी हमें देखने को मिलती है। इसकी मशीनबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, कास्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, वियर रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी होती है, मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी लो होता है, हार्डनेस भी ठीक ठाक इसकी रहती है। तो ये थे बेसिकली टाइप ऑफ कास्ट आयरन की, किसका यूज कहाँ करते हैं, उसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कई बार क्वेश्चन यहां से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द वर्नियर माइक्रोमीटर। यहां पर आपको एक वर्नियर माइक्रोमीटर का फिगर दिखाया गया है और पूछा गया एक्स से मार्क किए गए पार्ट का नाम क्या है, तो इस पार्ट का नाम क्या है आपको बताना है ठीक है। ऑप्शन दिया गया है एनविल है, बैरल है, थिम्बल है या फिर रैचेट स्टॉप है। तो अगर आपने वर्नियर माइक्रोमीटर या कोई भी माइक्रोमीटर ठीक ठाक से देखा होगा तो आपको पता है यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको क्या है, नर्लिंग वाला पोर्शन है। नर्लिंग वाला पोर्शन इसी के साथ आपका अटैच होता है, जो 0 से 50 वाली जो ग्रेजुएशन होती है ये भी इसी के साथ अटैच होती है। तो बेसिकली किस पर होता है, तो ये आपका होता है थिम्बल पर। किस पर होता है, थिम्बल पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिम्बल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा थिम्बल। इसको भी हम पूरा डिटेल में देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पर आपको इसका एक इमेज दिखाया गया है ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, पहले माइक्रोमीटर देखिए नॉर्मल। तो ये क्या है, हमारा फ्रेम है। फ्रेम पर क्या होता है, आपका माइक्रोमीटर का साइज लिखा जाता है, जो भी माइक्रोमीटर की रेंज होती है ठीक है। बेसिकली यहाँ पर एक आपका आउटसाइड माइक्रोमीटर दिखाया गया है, इस साइड में यहाँ पर आपकी क्या लगी होती है, एनविल लगी होती है। ये आपकी है स्पिंडल, जिसपे 0.5 mm की आपकी पिच की थ्रेड कटी होती है। यहाँ पर आपको दिखाया गया है वर्नियर स्केल ठीक है, जो कि किस पर ग्रेजुएटेड होती है, या आपकी स्लीव या बैरल, जो आपका ये वाला पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लीव या बैरल बोलते हैं। इस पे आपकी क्या होती है, मेन स्केल भी ग्रेजुएटेड होती है। और इस मेन स्केल के ऊपर यहाँ पर जो लाइनें होती हैं, यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया गया है ठीक है, ये आपका क्या है, ये वाला पोर्शन आपका स्लीव या बैरल है। इस पर यहाँ पर जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, ये क्या है, ये आपका मेन स्केल है ठीक है। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो दिखाई गई हैं आपकी लाइनें ठीक है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पर जो आपकी खड़ी लाइनें दिखाई गई हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको हम वर्नियर डिवीजन कहते हैं ठीक है, या आप वर्नियर स्केल कह सकते हो ठीक। देन इसके बाद क्या आता है, देन इसके बाद आपका यहाँ से लेकर के आपका पूरा क्या है, थिम्बल का पार्ट है। इसी थिम्बल पे जो आपका ये बेबल वाला पार्ट होता है, थोड़ा हल्का सा बेबल वाला सिरा, यहीं पर आपका ये आपकी ग्रेजुएशन अंकित होती है, जिसे हम सब डिवीजन बोलते हैं, 0 से लेकर के 50 तक। यहाँ पर लास्ट में होता है रैचेट स्टॉप, जिसका यूज किया जाता है यहाँ पर प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, यूनिफॉर्म प्रेशर देने के लिए इसका प्रयोग यहाँ पर
किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो आपकी नॉर्मली यहां पर हैं। अब यहां पर आप इसको थोड़ा सा जूम में देख सकते हैं, डेटम लाइन है किस पर गिरेस्ट होती है, स्लीव या बैरल पर, जिसे आप हाफ मिलीमीटर में कह सकते हो। ठीक है, 0, 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 0.5 में आगे बढ़ती रहती है। ऊपर वर्नियर स्केल हो गया, ठीक है, ऊपर आपका होल मिलीमीटर, नीचे आपका हाफ मिलीमीटर में, ये आपका 50 डिवीजन हो गया जो कि थिम्बल पर बना होता है, रैचेट वाला पार्ट हो गया घुमाने के लिए, आपका नर्लिंग वाला पार्ट, इसको यहाँ पर आप डिटेल में यहाँ पर कुछ अच्छे से देख सकते हैं। इसका लीस्ट काउंट निकालना हो, कैसे निकालते हैं, तो स्पिंडल पर पिच कितनी होती है, तो जो आपका नॉर्मल माइक्रोमीटर है स्पिंडल पर पिच हो गई आपकी 0.5 mm की, और थिम्बल पर कितने ग्रेजुएशन है, थिम्बल पर 50 ग्रेजुएशन है, तो जब एक बार थिम्बल आपका पूरा 50 ग्रेजुएशन तय करेगा तो 0.5 mm हमारी स्पिंडल आगे बढ़ेगी, तो 0.5 को हम 50 से डिवाइड कर गएंगे तो कितना आएगा, 0.01 आएगा, जो कि नॉर्मल यहाँ पर माइक्रोमीटर की लीस्ट काउंट होती है। जब बात किया जाता है वर्नियर माइक्रोमीटर की, जिसमें वर्नियर स्केल अटैच होता है, तो इसकी लीस्ट काउंट कितनी हो जाती है, 0.001 mm, जिसे आप कह सकते हो 1 माइक्रोन इसकी यहाँ पर एक्यूरेसी हो जाती है या लीस्ट काउंट हो जाती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको एक पूछा गया है, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग द ब्रोकन टैप, सॉरी ब्रोकन स्टड। तो यहाँ पर बेसिकली एक स्टड है जो कि क्या हो गया है, यहाँ पर आपका एक होल में टूट गया है, तो इस स्टड को कैसे बाहर निकालेंगे, यहाँ पर क्या मेथड दिखाया गया है, तो आप फिगर को देख के पहचान सकते हो, ये हैमर है और ये आपका क्या है, पंच है, तो पंच और हैमर की सहायता से इसको बाहर निकाल रहे हैं। और इस प्रोसेस का प्रयोग कब करते हैं, जब आपका जो ये स्टड है या आपका जो टैप है या आपका टूटा हो आपके सरफेस के काफी पास में, तो ये मेथड क्या है आपका, ये है आपका प्रिक पंच मेथड। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रिक पंच मेथड के नाम से जानते हैं। यूज कब करते हैं, तो जब आपका टैप सरफेस के काफी पास में टूटा होता है, तो इस मेथड का प्रयोग यहाँ पर बेसिकली किया जाता है। डिटेल आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपके रेफरेंस के लिए दिया गया है, प्रिक पंच मेथड, इफ द स्टड इज ब्रोकन वेरी नियर टू द सरफेस, अगर सरफेस के बहुत पास में टूटा है, ड्राइव इट एट एन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन यूजिंग ए प्रिक पंच एंड ए हैमर टू रिमूव इट। तो इसको हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमा करके इसको हम निकाल सकते हैं। ये हो गया पहला मेथड। अदर मेथड की बात की जाए तो इसमें आपका आता है स्क्वायर टेपर पंच मेथड। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या होता है, ब्रोकन स्टड कैन ऑल्सो बी रिमूव बाई ड्रिलिंग ये ब्लाइंड होल होल डायमीटर इक्वल टू द हाफ ऑफ द स्टड डायमीटर। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपका स्टड का डायमीटर उसके आधे डायमीटर का यहाँ पर एक होल करते हैं, फिर होल में यहाँ पर टेपर पंच का यूज करते हुए इसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं हम, टैप रिंच की सहायता से, जो आपका हैंड टैप रिंच है उसकी सहायता से, चूंकि यहाँ पर इसका क्या है स्क्वायर फेस है, तो इसको हैंड टैप रिंच में आसानी से पकड़ सकते हैं, तो इससे घुमाते हुए एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए इसको हम क्या कर सकते हैं, स्टड को निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान क्या रखना, जो आप होल करते हैं उसका डायमीटर क्या होगा, स्टड के डायमीटर का 1/2 होगा, मतलब हाफ डायमीटर का आपको होल करना है। देन यहाँ पर एक और मेथड आता है जिसे हम कहते हैं इजी आउट मेथड। इजी आउट मेथड में क्या है, तो इजी आउट और ये स्टड स्ट्रक्चर, इसी को क्या कहा जाता है, स्टड एक्सट्रैक्टर मेथड भी कहा जाता है। बेसिकली आपका हैंड टूल है जो कि आपका क्या है, सेम है आपका जो आपका टेपर रीमर होता है उसी के समान है। लेफ्ट हैंड यहाँ पर स्पाइरल थ्रेड होती है इस पर, इट इज अवेलेबल इन सेट ऑफ 5 पीसेस, ये 5 सेट में पाया जाता है, और हर एक इस पे यहाँ पर आपका साइज लिखा होता है। बेसिकली इसको भी यूज करने से पहले यहाँ पर आपको ड्रिल करना पड़ता है, होल करना पड़ता है, तो हर एक यहाँ पर सेट पर जो भी इजी आउट मेथड के जो सेट आते हैं, एक्सट्रैक्टर आते हैं, जो 5 सेट में होते हैं, सभी पर यहाँ पर ड्रिलिंग का साइज दिया जाता है कि किस ड्रिल का यहाँ पर आपको साइज करना है, इसको घुमाने से पहले पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर ड्रिलिंग कर लेंगे, होल कर लेंगे यहाँ पर जो भी स्टड टूट गया है उसमें, फिर इसको हम एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए इसको भी क्या करेंगे, टैप रिंच में पकड़ कर एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बाहर निकाल सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, ये 5 की सेट में पाया जाता है, जो इजी आउट मेथड है, स्टड एक्सट्रैक्टर है, ये कितने सेट में पाया जाता है, 5 के सेट में पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर मेथड आता है मेकिंग ड्रिल्ड होल। तो बेसिकली मान लीजिए अदर सारे मेथड आपके फेल हो रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, करेक्टली फाइंड आउट द सेंटर ऑफ द ब्रोकन स्टड एंड ड्रिल होल नियरली इक्वल टू द कोर डायमीटर ऑफ द स्टड डाउन द सेंटर सो दैट थ्रेड ओनली रिमेन्स, रिमूव द थ्रेड पोर्शन बाई पॉइंट ऑफ ए स्क्राइबर इन फॉर्म ऑफ ब्रोकन चिप्स, रीटैप द ड्रिल होल टू क्लियर द थ्रेड। बेसिकली यहाँ पर क्या है, मान लो टैप काफी अंदर है, तो उस कंडीशन में हम क्या करें, जो भी स्टड है उसके कोर डायमीटर, मतलब कह लो आप माइनर जो डायमीटर है उसका, ठीक है,
उस कंडीशन में माइनर डायमीटर के बराबर यहाँ पर हम क्या करेंगे, पूरा थ्रो होल यहाँ पर जहां तक आपका स्टड है वहां पर यहाँ पर हम ड्रिलिंग कर देंगे उसके कोर डायमीटर के बराबर। अब ये आपका ड्रिल साइज कुछ इस प्रकार के होगा कि ड्रिलिंग करने के बाद उसमें केवल जो स्टड है या आपका जो टैप है उसका केवल थ्रेड ही बचेगा, बारीक का बाकी का जो पूरा मेटल है वो चिप्स के रूप में बाहर निकल जाएगा। अब जो आपका बचा हुआ पोर्शन है, थ्रेड वाला पोर्शन है, उसको हम क्या करेंगे, उसको स्क्राइबर का जो पॉइंट होता है उसकी सहायता से यहाँ पर हम क्या करेंगे, खोद के इसको हम निकाल लेंगे यहाँ से। फिर बाद में हम फिर से नया यहाँ पर टैप चला करके उस होल को सही कर सकते हैं। तो ये मेथड बेसिकली यूज करते हैं जो हमारे सारे अदर मेटल यहाँ पर फेल कर जाते हैं उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपका प्रिक पंच मेथड का, जो कि सरफेस के नियर स्टड टूटा होता है या आपका टैप टूटा होता है उसको निकालने के लिए। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो प्रिक पंच वाले मेथड से पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ बेवलिंग द इंड ऑफ ड्रिल्ड होल। तो एक ड्रिल किए गए होल के छेद के जो अंत का सिरा होता है, मान लो ये आपका ड्रिल का होल है, इसके अंत को थोड़ा सा हल्का सा बेवल करना हो तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था इसको क्या कहा जाता है, तो इसको काउंटर सिंकिंग के नाम से जाना जाता है। जब भी होल के अंतिम सिरों को थोड़ा सा बेवल करना है तो उसे काउंटर सिंकिंग कहते हैं। अगर दिए गए होल को कुछ निश्चित गहराई तक, मान लो कुछ इसको इस निश्चित गहराई तक थोड़ा सा डायमीटर में बड़ा करना है तो इसको काउंटर बोरिंग कहा जाता है। स्पॉट फेसिंग मतलब यहाँ पर जो होल का टॉप सरफेस है इस पर थोड़ा सा प्लेट करना जिससे कि वाशर नट बोल्ट को आसानी से बिठाया जा सके। स्पॉट फेसिंग हो गया। रिमिंग क्या हो गया, जो ड्रिल किया गया होल है इसको एक्यूरेट साइज में फिनिश करना ही क्या कहलाता है, रिमिंग कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इफेक्ट इफ द क्लियरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। यदि जो ड्रिल का जो हमारी ड्रिल बिट है उसका क्लियरेंस एंगल सही नहीं है तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली जब यहाँ पर क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा तो जो हमारी ड्रिल बिट होती है वो क्या होती है, वहाँ उसकी बॉडी के साथ तो होल में क्या होती है, वो पूरी जो उसकी बॉडी होती है उसके रब होकर चलती है। तो रबिंग होने के कारण वहाँ काफ़ी ज़्यादा हमारा ड्रिल ओवर हीट हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ओवर हीटेड ड्रिल। अगर क्लियरेंस एंगल सही नहीं होगा तो ड्रिल की बॉडी वहाँ पर क्या करेगी, रब करेगी, और रबिंग के कारण यहाँ पर हीट काफी ज्यादा जनरेट होगा जिससे ड्रिल क्या हो जाएगी, यहाँ पर ओवर हीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी यहाँ पर जो अदर आपको दिए गए ओवर साइज होल, रफ होल, ब्रोकन ड्रिल, इस सबको भी हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। ठीक है, उसको आप जा करके देख के पूरा अच्छे से क्लियर कर सकते हैं अपने सारे डाउट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर इसका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं, ओवर हीट ड्रिल के और क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो अगर कटिंग स्पीड ज्यादा है, फीड रेट ज़्यादा है, या जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया था क्लियरेंस एंगल इनकरेक्ट है, या कूलिंग सही से नहीं है, पॉइंट एंगल सही नहीं है, या ड्रिल बिट हमारा शार्प नहीं है, तो इन सभी कारण की वजह से क्या हो सकता है, ड्रिल आपका ओवर हीट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, बेसिकली यहाँ पर रीमर दिखाया गया है, उसका आपका क्रॉस सेक्शन भी बेसिकली फ्लैट वाला। तो यहाँ पर पूछा गया है एक्स से जो मार्क किया गया यहाँ पर एंगल, इस एंगल को किस नाम से जानते हैं, तो इस एंगल को हम निगेटिव रेक एंगल के नाम से जानते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, निगेटिव रेक एंगल के नाम से जानते हैं। यहाँ पर और कई सारे क्वेश्चन आपके इस फिगर से पूछ लिए जाते हैं तो आप उसको भी क्लियर कर लीजिए। तो यहाँ पर जो आपकी जो एज है, आपको जो फेस है और यहाँ पर जो कटिंग एज है उसके बीच जो एंगल बन रहा है इसी को हम रेक एंगल कहते हैं। चूंकि बैक साइड में है तो इसको क्या कहा जाता है, निगेटिव रेक एंगल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन कई बार आपको फेस से पूछ लिया जाता है, ये फेस है, इसके पीछे वाला जो आपका पोर्शन है ये क्या है, हील है, ऊपर टॉप वाला पोर्शन इसको हम क्या कहते हैं, फ्लैंक कहते हैं, और यहाँ पर जब दो आपका इंटरसेक्शन करता है तो नीचे जो स्पेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, फ्लूट कहते हैं। तो फिगर आपको ध्यान में रखना है, इस फिगर से और क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच रीमर इज यूज्ड फॉर रीमिंग इंटरनल मैट्रिक मोर्स टेपर्ड होल। ऐसा होल जिसमें क्या है, इंटरनल मोर्स टेपर है। ठीक है, इंटरनल मोर्स टेपर्ड होल को रीमिंग के लिए कौन सा रीमर यूज किया जाता है। ऑप्शन है हेलिकल फ्लूटेड, हैंड रीमर, टेपर पिन रीमर, या सॉकेट रीमर विद पैरेलल सैंक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉकेट रीमर विद पैरेलल सैंक। आपका जो सॉकेट रीमर पैरेलल सैंक के साथ होता है इसका प्रयोग किया जाता है इंटरनल मोस्ट टेपर वाले होल की रीमिंग करने के लिए। सारे रीमर को हम डिटेल में देख लेते हैं कि किस रीमर का प्रयोग किस कंडीशन में करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने सॉकेट रीमर विद पैरेलल सैंक, जिसको यहाँ पर बेसिकली आप फिगर यहाँ पर जो
फाई ए ये वाला आपका फिगर है और बी वाला फिगर, इसको आप देख करके अच्छे से देख सकते हैं आपका क्या है यहाँ पर सॉकेट ट्रिमर है। ठीक है, सैंक क्या है इसकी, पैरेलल सैंक है, आपको ध्यान में रखना है सैंक कैसी है, पैरेलल सैंक है। दिस रीमर हैज टेपर्ड कटिंग एज टू स्वीट मेट्रिक मोस्ट टेपर, इसकी जो कटिंग एज है अब यहाँ पर आप देखो तो क्या है धीरे से यहाँ पर आपका टेपर में आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ क्या है हल्का सा यहाँ टेपर में है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पर आपका हल्का सा टेपर में है, तो इसकी कटिंग एज क्या है टेपर में है, जिसके कारण ये मोस्ट टेपर में आसानी से फिट हो सकती है। द सैंक इज इंटीग्रेटेड विद द बॉडी, सैंक क्या है बॉडी के साथ इंटीग्रेटेड है, एंड इज स्क्वायर शेप फॉर ड्राइविंग, और इसकी सैंक किस शेप में, स्क्वायर शेप में, जिसके इससे आसानी से हैंड टैप में पकड़ करके इसको घुमाया जा सके जो टैप रिंच है उसमें। फ्लूट आर आइदर स्ट्रेट और हेलिकल, पहले वाले फिगर में यहाँ पर स्ट्रेट फ्लूट दिखाया गया है, दूसरे वाले फिगर में यहाँ पर इसका जो फ्लूट है ये क्या है हेलिकल फ्लूट है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है द सॉकेट रीमर इज स्वीट फॉर रीमिंग इंटरनल मोस्ट टेपर होल, तो सॉकेट रिमर का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो ऐसा होल जो इंटरनल होल है जिसमें मोस्ट टेपर में है। ठीक है, मान लो ये हमारा कोई जॉब है, ठीक है, इसके अंदर होल बना है, होल क्या है आपका टेपर में है, ठीक है, और मोस्ट टेपर में है, तो इसकी रीमिंग के लिए किसका, इसकी टैपिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सॉरी रीमिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, तो सॉकेट रिमर का प्रयोग किया जाएगा जिसमें आपकी पैरेलल सैंक हो, तो उसका प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर जो रीमर है टेपर पिन रीमर, यहाँ पर आपको इस फिगर में दिखाया गया, फिगर नंबर सी में देख सकते हैं, दिस रीमर हैज टेपर्ड कटिंग एज फॉर रीमिंग, इसमें भी क्या होती है कटिंग एज टेपर में होती है, किस प्रकार के टेपर में, तो यहाँ पर जो बेसिकली मेट्रिक आपकी जो पिन टेपर होती है उसके लिए प्रयोग किया जाता है, उसका रेशियो कितना होता है टेपर का, यहाँ पर 1:50 के रेशियो में यहाँ पर इसकी कटिंग एज क्या होती है टेपर होती है। कहाँ पर यूज करेंगे, तो इसका प्रयोग करेंगे बेसिकली आपका जो आपकी जो टेपर होल्स होते हैं हल्का सा जो स्टैंड 1:50 के रेशियो में टेपर्ड होल होंगे, तो उसके लिए बेसिकली इसका प्रयोग किया जाएगा। दीज रीमर आर अवेलेबल विथ स्ट्रेट और हेलिकल फ्लूट, ये भी आपके स्ट्रेट फ्लूट में भी आते हैं और हेलिकल फ्लूट में, यहाँ पर आपको स्ट्रेट फ्लूट वाला दिखाया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर क्वेश्चन इससे क्या पूछा जा सकता है, तो सॉकेट रीमर से पूछा जाएगा मोस्ट टेपर होल के लिए, और टेपर पिन रीमर से पूछा जाएगा सिंपल टेपर होल के लिए, इसका रेशियो कितना होता है 1:50 होता है। नेक्स्ट यहाँ पर जो रीमर है वो हैंड रीमर विथ पायलट के साथ है, ठीक है, तो पायलट का काम क्या होगा वहाँ पर उसको गाइड करना, जैसे यहाँ पर आपको इस ऑप्शन में यहाँ पर दिखाया गया है आपका रीमर है, ठीक है, नीचे यहाँ पर इसके क्या लगी होती है पायलट लगी होती है इसको गाइड करने के लिए। फॉर दिस टाइप ऑफ रीमर ये पोर्सन ऑफ द बॉडी इज सिलेंड्रिकली ग्राउंड टू फॉर्म ए पायलट एट द एंटरिंग एंड द पायलट कीप द रीमर कंसेंट्रिक विद द होल्ड बींग रीम्ड, ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो पायलट रीमर में पायलट होता है उसका काम क्या होता है, तो इसको होल के एक्सेस के साथ क्या कर सकता है कंसेंट्रिक में रखता है। ठीक, नेक्स्ट बात की जाए, नेक्स्ट यहाँ पर जो रीमर पूछा जाता है आपसे एग्जाम में स्ट्रेट एंड हेलिकल फ्लूटेड रीमर, जैसा कि यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है ये आपका स्ट्रेट हेलिकल फ्लूटेड रीमर है, ये आपका क्या है सॉरी ये आपका स्ट्रेट फ्लूटेड रीमर है, ये आपका हेलिकल फ्लूटेड रीमर है। स्ट्रेट फ्लूटेड मतलब जो इसके फ्लूट है कटिंग एज स्ट्रेट में है, हेलिकल मतलब क्या है एक आपके पर्टिकुलर एंगल पे बनाए गए हैं, ठीक है, घुमावदार हैं। यहाँ पर बात किया जाए तो स्ट्रेट फ्लूट रीमर आर यूजफुल फॉर जनरल रीमिंग वर्क, जो नॉर्मल साधारण कार्यों के लिए रीमिंग के लिए प्रयोग की जाती है वो कौन सी है आपकी स्ट्रेट फ्लूट रीमर। हेलिकल फ्लूटेड रीमर आर पर्टिकुलरली सुटेबल फॉर रीमिंग होल विथ कीबे ग्रूव और स्पेशल लाइन कट इनटू देम, ऐसे होल जिसमें आपका मान लो कीबे कटा है या ग्रूव कटा है तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, उसके लिए हेलिकल फ्लूटेड रीमर का प्रयोग किया जाता है। The helical fluted will bridge the gap and reduce binding and chattering. इसका main use होता है कि आपकी chattering को भी क्या करती है avoid करती है। मोटा मोटा जो इसका सारांश है hand reamer with pilot कहाँ प्रयोग करेंगे, जहाँ पर आपको उसको concentric करे guide कर सके pilot hole के साथ, straight flute reamer normal work के लिए, helical flute reamer कहाँ पर प्रयोग करेंगे कीबे के लिए या फिर groups के लिए use किया जाएगा special purpose के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर नेम द टाइप ऑफ रीमर, यहाँ पर किस प्रकार का आपको रीमर दिखाया गया है, तो इजीली यहाँ पर आप इसको पहचान सकते हो, इसके आपका जहाँ पर जो स्क्वायर सैंक होती है इसके अनुसार भी आप पहचान सकते हो कि आपका हैंड रीमर है। ठीक है, ये क्या है आपका बेसिकली
हैंड रीमर दिखाया गया है, अगर मशीन रीमर होगा तो आपके उसमें क्या होगी, सैंग थोड़ी टेपर में होगी। इसको भी हम डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले बात की जाए कि हैंड रीमर क्या होता है। रीमिंग बाय यूजिंग हैंड रीमर इज डन मैनुअली फॉर व्हिच ए ग्रेट स्किल इज नीडेड। बेसिकली जो हैंड रीमर होते हैं, यहाँ पर आपको फिगर में दिखाया गया है हैंड रीमर, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हैंड रीमर बेसिकली आपका जो टैप रिंच है उसमें पकड़ कर हाथों के द्वारा क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक राउंड क्लॉकवाइज घुमाना है, ठीक है। रीमिंग करते समय आपको, टैपिंग करते समय एक राउंड क्लॉकवाइज में घुमाना है, फिर हाफ राउंड क्या करना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, जिससे वहाँ पर चिप्स ब्रेक हो सके। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है टैपिंग करते समय। रीमिंग करते समय उसको हमें कंटिन्यूअसली क्या करना है, कुछ इस प्रकार से हल्के हल्के स्पीड से उसको हमें घुमाना होता है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा स्किल की आपको ज़रूरत होती है, ठीक है, स्किल्ड की ज़रूरत होती है। अब हैंड रीमर जो होता है इसमें सैंक कैसी होती है, स्ट्रेट सैंक होती है, और टॉप में क्या होता है आपका स्क्वायर इंड होता है, जिससे कि उसको टैप रिंच में आसानी से पकड़ा जा सके। तो ये जो आपका पोर्शन है ये स्क्वायर है, जिससे कि इसको टैप रिंच में हम आसानी से पकड़ सकते हैं। मशीन रीमर की बात की जाए तो मशीन रीमर को हम क्या करते हैं, मशीन के स्पिंडल में फिट करते हैं और इसको मशीन के द्वारा रोटेट किया जाता है। इसका जो रीमर होता है इसका सैंक कैसा होता है, तो ये टेपर सैंक में होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इसकी सैंक कैसी है, टेपर है, जिससे कि इसको मशीन के स्पिंडल में आसानी से होल्ड किया जा सके, चूंकि वहां भी क्या होता है आपका टेपर होता है। तो अगर आपको देख के पहचानना है, तो अगर आपका टेपर है तो क्या हो जाएगा, मशीन रीमर हो जाएगा। स्क्वायर सैंक है तो आपका कैसा हो जाएगा, आपका हैंड रीमर हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, जिसमें हमने डिस्कस किया अपने 20 क्वेश्चंस को डिटेल में, और उसके साथ ही साथ हमने कोशिश किया जो उसके रिलेटेड चारों ऑप्शन थे उसको क्लियर किए। कोई आपको डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, ज्वाइन करके वहां पर आप अपने डाउट पूछ सकते हो। इस डिटेल्ड पीडीएफ को पाने के लिए, हर एक क्वेश्चन के पीछे जो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया, इसकी पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए। वहाँ पर क्लास के बाद पीडीएफ आपको भेज दी जाती है। इससे रिलेटेड और जो कई सारे आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके पेपर भी वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, और सारी जॉब अपडेट की नोटिफिकेशन वगैरह भी वहाँ पर सेंड कर दी जाती है। कोई फीडबैक है क्लास में और क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हमेशा फीडबैक से ही आता है, तो आपका फीडबैक काफ़ी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। तो आप कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दे सकते हो कि क्या इसमें इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। थोड़ा यहाँ पर इशू हो सकता है स्पीड का, क्योंकि यहाँ पर डिटेल काफ़ी ज़्यादा होता है एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए थोड़ा स्पीड ज़्यादा होती है। यूट्यूब के पास फैसिलिटी है कि आप उसको स्पीड को अपने अनुसार एडजस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हो, क्वालिटी आप अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। तो इसके लिए थोड़ा सा इसकी वजह है कि स्पीड थोड़ा सा फास्ट रखना पड़ता है, क्योंकि कई सारा कंटेंट यहाँ पर आपको कवर करना होता है छोटी सी क्लास में, ठीक है। तो अगर आप ITI से हैं, टर्नर फिटर मशीनिस्ट से हैं, तो हमारे साथ ऐसे बने रहने के लिए, ठीक है, आप लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, और अपने फ्रेंड के बीच शेयर भी करिएगा, जिससे उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। ऐसे ही लगातार वीडियोस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।